यस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टर गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हैं सब लोग लो, होप्स लो बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं तो सबसे पहले आज हम रिवाइज करने वाला एक टॉपिक जिसका नाम है टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन एंड गायज दिस टॉपिक इज गोइंग टू गव यू टेन मार्क्स इन योर एग्जामेशन आपके एग्जाम में आपको टेन मार्क्स मिलने वाले हैं शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है, तो इसको अच्छे से ढंग से रिवाइज करना है और इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको करने रहेंगे तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं ये जो टॉपिक है ये लगता है चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट के केस में अब क्वेश्चन ये आता है रिलीजियस का मतलब क्या तो रिलीजियस को इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं कर रखा तो हम कॉमन सेंस के हिसाब से जाएंगे तो रिलीजियस का मतलब होता है अगर ऐसा कोई भी ट्रस्ट है जो टेम्पल चलाता है चर्च है गुरुद्वारा है मॉस्क है वो चलाता है तो उसको अपन रिलीजियस ट्रस्ट बोलेंगे लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है तो चैरिटेबल को इन्होंने यहां पे डिफाइन कर रखा है अंडर सेक्शन टू क्लॉज नंबर फिफ्टीन एंड टू क्लॉज नंबर फिफ्टीन बोलता है कि अगर कोई भी ट्रस्ट है उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है तो उसको अपन चैरिटेबल ट्रस्ट बोलेंगे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अगर मान लो रिलीफ ऑफ पुअर रिलीफ ऑफ पुअर का मतलब होता है कि गरीब लोगों को अगर रोटी कपड़ा मकान वगैरह ऐसा प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव है तो वो चैरिटेबल माना जाएगा दूसरा अगर उसका ऑब्जेक्टिव एजुकेशन है या मेडिकल रिलीफ है या फिर योगा है तो उस पर्टिकुलर केस में वो चैरिटेबल माना जाएगा तो चैरिटेबल में क्या क्या आएगा देखो सबसे पहला रिलीफ ऑफ पुअर दूसरा है मेडिकल तीसरा है एजुकेशन फोर्थ है योगा ये बोलता है कि अगर प्रिजर्वेशन ऑफ एवायमेंट इंक्लूडिंग द वॉटर शेड फॉरस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस और ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो कि आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिकल नेचर के तो उनके अगर मान लो प्रिजर्वेशन के लिए कोई ट्रस्ट बनाया तो वो चैरिटेबल माना जाएगा अब एक बात समझना मैंने आपको यहाँ पे टोटल छह ऑब्जेक्टिव बताए क्या होना चाहिए रिलीफ ऑफ पुअर है दूसरा एजुकेशन तीसरा मेडिकल चौथा योगा प्रिजर्वेशन ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेस मॉन्यूमेंट्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द वॉटर शेड फॉरस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये

लेकिन गाइस इस पॉइंट के लिए लॉ मेकर्स ने एक रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि अगर आपका एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है तो उसमें आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते बट बिजनेस कर सकते हैं अगर उस बिजनेस का ग्रॉस रिसेट ट्रस्ट के टोटल ग्रॉस रिसेट का ट्वेंटी परसेंट या उससे कम है मिस जो ट्रस्ट का टोटल ग्रॉस रिसिप्ट रहेगा ना टोटल ग्रॉस रिसिप्ट मीन इंक्लूडिंग डोनेशन एंड ऑल जो टोटल ग्रॉस रिसिप्ट रहेगा उस टोटल ग्रॉस रिसिप्ट में आपका जो बिजनेस का ग्रॉस रिसिट है वो ट्वेंटी परसेंट या उससे कम होना चाहिए तो वो उस ईयर के लिए चैरिटेबल है

एक ट्रस्ट की जो इनकम होती है वो इनकम कैसे होती है कैसे टैक्सेबल होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं तो देखो जो भी ट्रस्ट होता है ना उस ट्रस्ट की सबसे पहले आप ले लीजिए इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी अंडर ट्रस्ट तो जो भी ट्रस्ट की इनकम होती है ना उस इनकम में से आपका मेंसेंट है वो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन रहता है जैसे फॉर एन एक्साम्पल एक ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट की आपकी इनकम है ट्वेंटी लाख रुपए तो 20 लाख रुपीज की जो इनकम रहेगी उस 20 लाख की इनकम में से आप एक काम करिए पहले 15% परसेंट का आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 15% परसेंट में 3 लाख का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया जो बचेगी दैट इज में से जितना आपने अप्लाइड कर दिया किसके लिए अप्लाइड कर दिया चैरिटेबल और रिलीजियस रिलीजियस पर्पज के लिए आपने कर दिया, वो आपका एग्जेम हो जाएगा और जो भी बचेगा वो टैक्सेबल होगा तो देखो मैंने क्या बोला कि जो भी ट्रस्ट होता है सेक्शन इलेवन वन क्या बोलती है कि ट्रस्ट की जो इनकम होती है उस इनकम में से आप फिफ्टीन परसेंट का डिडक्शन ले लीजिए तो इन सिंपल वर्ड ऐसा बोल वर्डेंट तो सीधा ही एक्सेंट है दूसरा जितना भी बैलेंस बचेगा उस बैलेंस में से जितना आपने अप्लाइड कर दिया फॉर द चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज इन इंडिया मीन इंडिया में चैरिटेबल रिलीजियस पर्पज के लिए जितने आपने खर्चे कर दिए वो आप लेस कर दीजिए जो बचेगा वो ट्रस्ट की इनकम बचेगी अब क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि सर आप बोल रहे हैं कि अप्लाइड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस इन इंडिया तो अप्लाइड का मतलब क्या होता है सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर भी चलेगा राइट आंसर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर भी चलेगा स्ट है वो ट्रस्ट पर्पज के लिए चैरिटेबल रिलीजियस पर्पज जो इंडिया में कर रहा है उसके लिए अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है वो सब तुम्हारे अप्लाइड में आ जाएगा और जो भी बचेगा वो ट्रस्ट की इनकम बचेगी और उस पर टैक्स भरना पड़ेगा अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि सर आप बोल रहे हो ट्रस्ट की इनकम जो रहेगी वो इनकम को फिफ्टीन परसेंट एटीन फाइव परसेंट एटी फाइव परसेंट करो लेकिन सर इनकम में क्या डोनेशन भी आएगा आंसर इज यस इनकम में डोनेशन भी आएगा जो ट्रस्ट को डोनेशन मिलता है वो डोनेशन इज ऑल्सो ट्रीटेड एस इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी और डोनेशन भी आ जाएगा लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना इसमें कॉर्पस डोनेशन नहीं आएगा कॉर्पस डोनेशन जो मिलता है ना वो पूरा एग्जेम हो जाएगा कॉर्पस डोनेशन ऐसा डोनेशन होता है जो स्पेसिफिक डायरेक्शन से मिलता है कि ये ट्रस्ट के कॉर्पस का पार्ट बनना चाहिए और स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होना चाहिए तो अगर आपको कोई कॉर्पस डोनेशन मिला है तो वो कॉर्पस डोनेशन आपके इनकम का पार्ट नहीं बनेगा वो पूरा एक्जेंट हो जाएगा लेकिन गाइज उसमें कंडीशन होती है कि कॉर्पस डोनेशन है वो सेफ इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहिए कॉर्पस डोनेशन का पैसा है ना वो फाइव में जमा होना चाहिए मिस सेफ इन्वेस्टमेंट में जमा होना चाहिए और अगर कॉर्पस डोनेशन आपने सेफ इन्वेस्टमेंट में जमा नहीं किया तो वो वाला कॉर्पस डोनेशन सीधा टैक्सेबल हो जाएगा एट द रेट थर्टी परसेंट अंडर सेक्शन बीबीआई चाहिए तो आप लिख लीजिए कि ये कॉर्पस डोनेशन अगर इलेवन फाइव में जमा नहीं होता है तो ये सेक्शन वन वन फाइव बीबीआई में टैक्सेबल हो जाता है सीधा एट द रेट थर्टी परसेंट और उस पर फिर वो फिफ्टीन परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह कुछ नहीं मिलता और एक और चीज समझना कॉर्पस डोनेशन अगर आपने कोई गलत पर्पज के लिए यूज कर दिया जैसे कॉर्पस डोनेशन आपको मिला था कि ये भैया कॉर्पस का पार्ट बनना चाहिए बिल्डिंग पर्पज के लिए होना चाहिए और आपने उसको अगर गलत पर्पज के लिए यूज कर दिया तो भी वो तुम्हारे लिए क्या होगा टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन वन वन फाइव बीबीआईट द रेट थर्टी तो देखिए मैंने क्या बोला एक बार मैं वापस से आपको रिवाइज करा रहा हूं देखो जो भी ट्रस्ट का इनकम होता है इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्डर ट्रस्ट उसमें डोनेशन भी ले लेने का लेकिन कॉर्पस डोनेशन को छोड़ के कॉर्पस डोनेशन है वो पूरा एक्जेंट होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता लेकिन कॉर्पस डोनेशन अगर आपने इलेवन फाइव में डिपोजिट नहीं किया तो वो वाला कॉर्पस डोनेशन सीधा वन वन फाइव बीबीआई में टैक्सेबल कर दीजिए एट द रेट थर्टी परसेंट से एंड कॉर्पस डोनेशन जो है वो में जमा किया और अगर मान लो सही जमा किया तो वो पूरा एक्सेंट हो जाएगा उस पर नहीं लगेगा उसके बाद में जो भी इनकम रहती है उसमें से इनकम में से, में से 15 का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है 85 जो बचेगा उसमें से आपने जितना अप्लाइड कर दिया फॉर द चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पज इन इंडिया उसको लेस कर दीजिए जो बचेगा वो ट्रस्ट की इनकम बन जाएगी अब एक और चीज समझना लॉ लॉमेकर बोलते हैं कि अगर फॉर एन एक ट्रस्ट है उस ट्रस्ट की इनकम जो है वो ट्वेंटी लाख है

और एक्सप्लेनेशन नंबर वन बोलता है कि तो ये बोलते है कि मान लो अगर ट्रस्ट अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है और अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है और इस 20 लाख ,00 में कुछ ऐसा इनकम है जो इनकम अभी तक रिसीव्ड नहीं हुआ लेकिन उसने इंक्लूड कर दिया है जैसे फॉर एन एक्साम्पल ये जो ट्वेंटी लैख का इनकम है ट्रस्ट का इस ट्वेंटी इनकम में फोर लैख रुपए ऐसा इनकम है जो अक्रूड हो गया है बट रिसीव नहीं हुआ अक्रूड हो गया है बट रिसीव्ड नहीं हुआ मीन इन सिंपल वर्ड अगर आउटस्टैंडिंग है अगर आउटस्टैंडिंग है तो लॉ मेकर्स बोलते हैं यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है और वो ऑप्शन ये बोलता है कि ट्रस्ट की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से एटलीस्ट दो महीने पहले एटलीस्ट टू मंथ बिफोर द दे ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग ट्रस्ट क्या करेगा एक डिक्लेरेशन देगा इन द दे फॉर्म दंबर ए टू द असेसिंग ऑफिसर और असेसिंग ऑफिसर को बोलेगा कि सर देखिए हमारी जो इनकम है वो ट्वेंटी लैख है लेकिन उसमें से फोर लैख रुपीज ऐसा है जो हमको अभी तक रिसीव नहीं हुआ हम आपसे वादा करते हैं कि जिस ईयर में वो रिसीव्ड होगा उस ईयर में या उसके अगले साल में हम उसको एक्चुअल में अप्लाइड कर देंगे तो करंट ईयर में वो आपका डीम टू बी एप्लीकेशन मान लिया जाएगा तो मैंने क्या बोला देखो अगर आपकी कोई इनकम है उस इनकम में से कुछ इनकम ऐसी है जो आपको रिसीव नहीं हुई लेकिन आपने उसको इनकम में रिकॉर्ड कर लिया बिकॉज यू ट्रस्ट फॉलो द अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अगर ट्रस्ट अप्रूवल सिस्टम फॉलो कर रहा है वो इनकम को आपने इनकम में रिकॉर्ड कर लिया तो आप एक काम करिए रिटर्न फाइलिंग की ड्यूडेट से एटलीस्ट टू मंथ पहले असेसिंग ऑफिसर को एक फॉर्म नंबर 9A में ये डिक्लेरेशन दे दीजिए कि सर जब भी जिस ईयर में वो पैसा मिलेगा उस ईयर में या उसके अगले साल हम उसको एक्चुअली अप्लाइड कर देंगे तो करंट ईयर में वो आपका डीम टू बी एप्लीकेशन मान लिया जाएगा अब एक बात समझना अगर आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं तो जिस ईयर में वो इनकम मिलेगा उस ईयर में या उसके अगले साल में आपको एक्चुअल में अप्लाई करना पड़ेगा अब एक बात समझना जिस ईयर में आप उस इनकम को एक्चुअल अप्लाई कर रहे हैं क्या उस ईयर के एप्लीकेशन में आएगा आंसर इज नो क्योंकि आप पहले उसकी ऑलरेडी डीम्ड एप्लीकेशन ले चुके हो लेकिन एक चीज ध्यान रखना जिस ईयर में वो पैसा मिला उस ईयर एंड उसके अगले साल अगर आपने एक्चुअल में अप्लाई नहीं किया तो बेटा जिस ईयर में वो पैसा मिला था ना उसके अगले साल की वो आपकी इनकम बन जाएगी और वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर सेक्शन वन वन फाइव रेट थर्टी परसेंट से टैक्सेबल हो जाएगी अब एक बात समझना एक्सप्लेनेशन नंबर वन में एक और ऑप्शन ये आता है कि मान लो आप इस साल में जो इनकम है वो ड्यू टू एनी रीजन आप अप्लाई नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजन एनी रीजन में कोई भी रीजन हो सकता है एग्जाम्पल के लिए जैसे मार्च मंथ में आपको बंपर डोनेशन मिल गया एग्जाम्पल के लिए मान लो ये हमारा ट्रस्ट है उसकी जो टोटल इनकम है वो ट्वेंटी लाख है और इस इनकम में से फिफ्टीन परसेंट है वो सेट असाइड कर लिया सेवनटीन लाख बचा हमने टेन लाख अप्लाई कर दिया सेवन लाख रुपीज को हम अप्लाइड नहीं कर पाए ड्यू टू तो एनी रीजन एनी रीजन में जैसे मार्च में बंपर डोनेशन मिल गया तो हम अप्लाइड नहीं कर पाए तो लॉ मेकर्स यहां पे ये बोलते हैं कि अगर मान लो आप इसको अपलाइड नहीं कर पाए तो आप एक काम करिए कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से एटलीस्ट टू मंथ पहले आप असेसिंग ऑफिसर को एक डिक्लेरेशन दे दीजिए इन द फॉर्म नंबर नाइन ए के सर हम इस इनकम को अगले साल अप्लाई कर देंगे नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर देंगे तो करंट ईयर में वो आपका डीम टू बी अप्लाइड माना जाएगा लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आप एक्चुअल अप्लाई करेंगे तो क्या नेक्स्ट ईयर के अप्लाइड में वापस आएगा नहीं आएगा क्योंकि आप ऑलरेडी डीम टू बी अप्लाइड ले चुके हैं लेकिन जिस ईयर में आप ये एप्लीकेशन ले रहे हैं जिस ईयर में आप ये ऑप्शन ले रहे हैं अगले साल आपको अप्लाइड एक्चुअल में करना पड़ेगा अगर अगले साल आपने अप्लाइड नहीं किया तो वो वाला अमाउंट सीधा आपका टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन एट द रेट से टैक्सेबल हो जाएगा यू गॉट माई पॉइंट और और नॉट यस अब एक चीज समझना सर क्वेश्चन आता है कि आप बोल रहे हो कि यहां पर जो भी हमारा इनकम होता है उस 17 में से जो अप्लाइड फॉर द चैरिटेबल और रिलीजियस पर्प इन इंडिया करते हैं वो लेस हो जाता है लेकिन क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताइए हमने किसी

अमेंडमेंट यह है कि आप किसी दूसरे ट्रस्ट को जब आप डोनेशन करते हो ना तो आपको एप्लीकेशन में ले सकते हो लेकिन एप्लीकेशन में आप कितना ले पाएंगे पता है ओनली एटी फाइव परसेंट ऑफ अमाउंट डोनेटेड मतलब जितना अमाउंट आप डोनेट कर रहे हैं उसका 85 फाइव परसेंट वो 85 परसेंट ही आप एप्लीकेशन में ले सकते हैं ऐसा आपकी एक्सप्लेनेशन नंबर का थर्ड पार्ट बोलता है और वो मैंने यहां पे दे रखा है कि जब भी आप किसी दूसरे ट्रस्ट को डोनेट करते हैं दूसरी इंस्टीट्यूशन को डोनेट करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में यह एप्लीकेशन तो आएगा लेकिन गाइज आप सिर्फ एटी ही ले सकते हैं इन सिंपल वर्ड जैसे यहां पर एक्साम्पल एक एक दिया मैंने कि बालाजी ट्रस्ट ने क्या किया फिफ्टी लाख रुपए है वो सिद्धि विनायक ट्रस्ट को डोनेट किए तो बालाजी ट्रस्ट एप्लीकेशन में पूरा 50 लाख नहीं ले सकता ओनली 85% फाइव परसेंट दैट कम्स टू द टू पॉइंट फाइव लैक है उतना ही एप्लीकेशन ले सकते हैं ये एग्जाम में पॉइंट आने वाला है या एमसीक्यू में आने वाला है तो ध्यान रखना अब एक और चीज समझना नेक्स्ट यहां पर एक्सप्लेनेशन आती है दैट इज द एक्सप्लेनेशन नंबर थर्ड एक्सप्लेनेशन नंबर थर्ड यह बोलती है कि जब भी कोई ट्रस्ट है वो खर्चा करता है एप्लीकेशन करता है तो जो आपने पीजीपीपी में सेक्शन 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 40 a, 3, 40 a, 3 40 40 ए ए ए ए ए सब 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 3, 3 3 एंड क्लॉज क्लॉज हुआ है है वो यहां पे भी लगेगा तो 40 a, 3 क्या बोलता है? कि सिंगल डे में सिंगल पर्सन को 10,000 से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं तो वो आपको अकाउंट पे चेक अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या एनी मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही करना पड़ेगा अगर 10,000 से ज्यादा का आपने कैश में बियर चेक से या क्रॉस चेक से किया तो वो डिसअलाउड हो जाएगा तो यहां पर भी आप एप्लीकेशन नहीं ले सकते अब एक बात समझना सेक्शन फोर्टी ए थ्री है, क्या बोलता है कि अगर मान लो आपने पहले अप्रूवल बेसिस पे एप्लीकेशन ले लिया था आजकल तो ले नहीं सकते अप्रूवल बेसिस पे एप्लीकेशन बट मान लो पहले आपने अप्रूवल बेसिस पर एप्लीकेशन ले लिया था बट करंट ईयर में आप उसका पेमेंट कर रहे हो और मोर देन टेन आपने कैश में पे किया तो करंट ईयर की वो इनकम मानी जाएगी एंड सेक्शन 40, 40 क्लॉज ए को पेमेंट करते हैं तो जमा कराना पड़ेगा अगर आपने नहीं कराया तो 30 परसेंट खर्चा आपका डिसअलाउड हो जाएगा तो वो यहां पर ट्रस्ट के केस में भी लगेगा जब आप एप्लीकेशन लेते हो तो उसमें आपको इन तीन सेक्शन का ध्यान रखना है उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री ए है वो थ्री ए लास्ट ईयर डाली गई सेक्शन एक्सप्लेनेशन नंबर थ्री क्या बोलती है, पता है? कि अगर कोई ट्रस्ट ऐसा है जो कि टेंपल मॉस्क गुरुद्वारा एंड चर्च चलाता है इन सिंपल वर्ड कोई रिलीजियस ट्रस्ट है तो रिलीजियस ट्रस्ट को अगर मान लो कोई डोनेशन मिलता है और वो डोनेशन मिल रहा है किसके लिए डोनेशन मिल रहा है टेम्पल चर्च मॉस गुरुद्वारा के रिपेयर या रिनोवेशन के लिए डोनेशन मिल रहा है तो रिपेयर या रिनोवेशन के लिए डोनेशन मिल रहा है तो उस ट्रस्ट के पास ऑप्शन है आइदर वो ट्रस्ट उसको नॉर्मल डोनेशन मान ले या फिर ट्रस्ट चाहे तो उसको कॉर्पस डोनेशन मान सकता है अगर ट्रस्ट चाहे तो उसको कॉर्पस डोनेशन मान सकता है या फिर ट्रस्ट चाहे तो उसको नॉर्मल डोनेशन मान सकता है अब एक बात समझना नॉर्मल डोनेशन मानेगा तो तो क्या होगा जो भी रिपेयर रिनोवेशन के लिए डोनेशन मिलेगा वो नॉर्मल डोनेशन माइनस फिफ्टीन परसेंट कर दीजिए एटी फाइव परसेंट में से जितना अपलाइड किया वो लेस कर दीजिए जो बचेगा वो इनकम बचेगा लेकिन अगर ट्रस्ट उसको कॉर्पस डोनेशन मानता है तो पूरा ही एक्जेंट हो जाएगा लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन है और चार कंडीशन है पहली कंडीशन यह है कि अगर ट्रस्ट वो मानता है कि ये जो आपको रिपेयर रिनोवेशन के लिए डोनेशन मिला है इसको अगर कॉर्पस डोनेशन मानता है तो चार कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी पहला तो उस अमाउंट को सिर्फ रिपेयर रिनोवेशन के लिए ही खर्च करना पड़ेगा दूसरा कंडीशन वो अमाउंट को किसी और ट्रस्ट को डोनेट नहीं कर सकते तीसरा कंडीशन उसके लिए अलग से सेपरेटेबल अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसको इलेवन फाइव उस में सेफ में रखना पड़ेगा अगर ये चारों कंडीशन तो जो भी डोनेशन लेकिन अगर उसका कोई भी वायलेशन हो जाए गया तो फिर भैया वो डोनेशन जो मिला था वो एक्सैम्ट हुआ था वो वापस से टैक्सेबल हो जाएगा जिस ईयर में आपका वायलेशन हुआ अब एक बात समझना एक एक्सप्लेनेशन नंबर फोर है एंड गाइस एक्सप्लेनेशन नंबर फोर जो फाइनेस एक्ट 2021 से आई थी

और वो खर्चा कॉर्पस फंड से पैसा विद्रॉ करके किया मिस इस साल में आपने ट्रस्ट के लिए कोई खर्चा किया और वो खर्चा कॉर्पस फंड से पैसा विद्रॉ करके किया कॉर्पस फंड से पैसा विद्रॉ किया और उससे कोई खर्चा किया कुछ अप्लाइड किया लॉ मेकर्स बोलते हैं वो करंट ईयर के अप्लाइड में नहीं आएगा वो करंट ईयर के अप्लाइड में नहीं आएगा लेकिन वो उस ईयर के अप्लाइड में आएगा जिस ईयर में आप वापस से वो पैसा कॉर्पस फंड में डिपोजिटेड बैक कर दोगे उस ईयर के एप्लीकेशन में आ जाएगा वापस बोल रहा हूं ध्यान देना एक्सप्लेनेशन नंबर फोर का पार्ट ए ये बोलता है पार्ट वन ये बोलता है कि अगर मान लो इस साल आपने कोई भी खर्चा किया कोई भी एप्लीकेशन किया ट्रस्ट के पर्पस के लिए लेकिन वो पैसा जो है वो आपने कॉर्पस फंड से विड्रॉ करके किया था तो इस ईयर के अप्लाइड में वो नहीं आएगा वो उस ईयर के अप्लाइड में आएगा जिस ईयर में आप वापस से वो पैसा कॉर्पस फंड में डिपोजिटेड बैक करते हो इन फ्यूचर ईयर जिस ईयर में इनकम हुई उससे वापस से वो पैसा कॉर्पस फंड में डिपोजिटेड बैक इन्वेस्टेड बैक किया उस ईयर के एप्लीकेशन में आ जाएगा इसमें एक और पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लो आपने क्या किया इस साल में कोई एप्लीकेशन किया वो आपने लोन मनी या बोरोइंग मनी से किया लोन या से किया तो वो इस ईयर के एप्लीकेशन में नहीं आएगा वो उस ईयर के एप्लीकेशन में आएगा जिस ईयर में आप उस लोन या बोरोइंग रीपेमेंट करते हो उस ईयर के एप्लीकेशन में आ जाएगा तो देखो मैंने यहां पे दो चीजें बोली और यहां पे कुछ अमेंडमेंट है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं जो आपको याद रखना है इधर देखिए सबसे पहले मैंने यहां पर दो चीजें बोली कि अगर मान लो आप इस साल में खर्चा करते हो इस साल में आप एप्लीकेशन कर रहे हो बट पैसा कहां से ला रहे हो या तो कॉर्पस से पैसा विड्रॉ किया या आपने कोई लोन लेके पैसा लाया और उससे एप्लीकेशन किया तो करंट ईयर के एप्लीकेशन में नहीं आएगा वो उस ईयर के एप्लीकेशन में आएगा जिस ईयर में आप वापस से उसमें डिपोजिटेड बैक करते हो कॉर्पस में या फिर लोन का रीपेमेंट करते हो उस ईयर के एप्लीकेशन में आ जाएगा यू गॉट पॉइंट नॉट जैसे मान लो ट्रस्ट ने इस साल खर्चा किया कोई कॉर्पस से पैसा विड्रॉ करके या फिर लोन लेके और इस साल उन्होंने कंप्यूटर वगैरह खरीदे तो इस साल के एप्लीकेशन में नहीं आएगा फिर जिस ईयर में आगे जाके इनकम होगी और उस ईयर की इनकम से जिस ईयर में वो वापस से डिपोजिटेड बैक इनटू कॉर्पस होगा या लोन का रीपेमेंट होगा उस ईयर के एप्लीकेशन में वो आ जाएगा अब एक और चीज समझना इस साल इन्होंने अमेंडमेंट किया है कि भाई साहब इन इस एक्सप्लेनेशन में उन्होंने अमेंडमेंट किया है अमेंडमेंट क्या बोलता है पता है पहली चीज तो ये यह आप जब अप्लाई कर रहे हो करंट ईयर में तो करंट ईयर के एप्लीकेशन में तो नहीं आएगा वो जिस ईयर में डिपॉजिटेड बैक करोगे या जिस ईयर में लोन का रीपेमेंट करोगे उस ईयर के एप्लीकेशन में आएगा बट यहां पे कुछ कंडीशन डाली और एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि जिस ईयर में आपने अप्लाई किया ना जैसे करंट ईयर में पैसा आपने कॉर्पस से निकाला था या लोन लेके पैसा करंट ईयर में यूज किया था तो गाइस करंट ईयर के एंड से फाइव ईयर के अंदर अंदर वो पैसा वापस से डिपोजिटेड बैक होना चाहिए इनटू द कॉर्पस या फिर लोन का रीपेमेंट होना चाहिए वो पांच साल के अंदर अंदर होना चाहिए तभी आप एप्लीकेशन ले सकते हो जिस ईयर में डिपोजिटेड बैक या रीपेमेंट करोगे तो फाइव ईयर का यहां पे एक लिमिट डाला गया है और वो लिमिट क्या बोलता है जैसे फॉर एन एक्साम्पल इन करंट ईयर आपने कॉर्पस से पैसा विद्रॉ करके लोन लेके कुछ एप्लीकेशन किया इन द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर तो 23, 24 के एंड से 24 का एंड होगा 31 मार्च 2024. थाउजेंड ईयर आप अगर काउंट करोगे 31 मार्च 2029. तो 29 तक आपको वो लोन को रीपेमेंट करना पड़ेगा या फिर आप जो कॉर्पस फंड में वापस डिपॉजिटेड बैक करना पड़ेगा तो ही आप एप्लीकेशन ले सकते हैं जिस ईयर में डिपोजिटेड बैक या रीपेमेंट करोगे अदरवाइज फिर वो एप्लीकेशन आपको मिलेगा ही नहीं तो यहां पे कंडीशन क्या डाली है कि पहली चीज तो आपने जो से पैसा निकाला था या लोन लेके जो पैसा यूज किया था वो कहां पे यूज किया था इंडिया में किसी पर्पस के लिए किया था वो पैसा किसी और दूसरे ट्रस्ट को डोनेट नहीं किया था उसके बाद में सेक्शन 40 क्लॉज 40 ए 40 क्लॉज को आपने फुलफिल किया था वो कोई पुराना ज्यादा एप्लीकेशन को सेट किया आपने एंड नहीं किया पैसा किसी ट्रस्टी के लिए वगैरह यूज नहीं किया एंड गाइस जो लोन है वो आप रीपेमेंट कर रहे हो विद इन फाइव इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच दैट अमाउंट वॉज यूज तो ये सब कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए अब एक बात समझता इसमें जो स्टार्टिंग की कंडीशन है ना वो तो इनबिल्ट है यहां पे सिर्फ आपको एक कंडीशन है वो ध्यान रखनी है कि जो भी आप लोन का रीपेमेंट कर रहे हो या कॉर्पस में डिपोजिटेड बैक कर रहे हो वो विद इन फाइव ईयर होना चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच अमाउंट इज अप्लाइड फ्रॉम आउट ऑफ कॉर्पस और फ्रॉम द लोन अमाउंट यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस चलिए उसके बाद में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन चलते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर फाइव पे एक्सप्लेनेशन नंबर फाइव ये बोलता है कि कभी भी ट्रस्ट का एप्लीकेशन अगर इनकम से ज्यादा हो जाता है तो एप्लीकेशन इनकम से ज्यादा हो जाता है तो वो तो डेफिसिट आ जाएगा

और ये एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान देना है गाइस यहां पे ये एक्सप्लेनेशन ऐड की थी फाइनेंस एक्ट 2022 से एंड ये भी असेसमेंट ईयर 22-23 से लग रही है मींस प्रीवियस ईयर 21-22 से लग रही है ये एक्सप्लेनेशन ये बोलती है कि अब ट्रस्ट जो है ना वो खर्चे का एप्लीकेशन सिर्फ पेमेंट बेसिस पे ले सकता है अक्रूवल बेसिस पे नहीं ले सकता ओनली एंड ओनली पेमेंट बेसिस पे ले सकता है वो भले अकाउंटिंग मेथड कौन सा भी फॉलो कर रहा है ट्रस्ट जो है वो इनकम रिकॉग्निशन के लिए अप्रूवल सिस्टम या कैश सिस्टम फॉलो करे करे उसकी मर्जी लेकिन खर्चों का डिडक्शन है वो सिर्फ पेमेंट बेसिस पे ही मिलेगा ये एक अमेंडमेंट किया है एग्जांपल के लिए मान लो एक ट्रस्ट है उसने क्या किया कोई कंप्यूटर खरीदे ऑन द ट्वेंटी नाइन मार्च

लेकिन फिर आपके मन में ये डाउट आ जाएगा कि sir, आपने जो या फिर एक ऐसा भी तो ऑप्शन था नेक्स्ट ईयर में अप्लाइड कर देंगे तो क्या वो ऑप्शन स्टिल वैलिड है या नहीं राइट आंसर इज यस वो वैलिड है ऑप्शन मींस एक बात बताओ जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप पेमेंट नहीं कर पाए लेकिन आपके पास बिल आया तो फिर आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लो ना आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर दो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन था इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर दो कि सर हम अगले साल उसको एक्चुअल कर लेंगे तो करंट ईयर में वो डीम टू बी अप्लाइड माना जाएगा तो अगर ऑप्शन ले लेते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ऑप्शन ले लेते हो मान लो पेमेंट नहीं कर पाए तो ऑप्शन आपने एक्सरसाइज कर दिया तो क्या चलेगा आंसर इज यस तो चलेगा वो ऑप्शन है वो स्टिल वैलिड माने जाएंगे चलिए उसके बाद एक सेक्शन आती है इलेवन टू

कि अगर ट्रस्ट का 85 परसेंट इनकम इस साल अप्लाइड नहीं हो पाया और ट्रस्ट उसको एक्मलेट करना चाहता है तो ट्रस्ट कर सकता है लेकिन उसके लिए चार कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी पहली कंडीशन यह है कि ट्रस्ट को स्पेसिफिक पर्पज लिख के देना पड़ेगा और पर्पज जो है वो लिख के देना पड़ेगा दूसरी कंडीशन यह है कि स्पेसिफिक पीरियड बताना पड़ेगा एंड दैट पीरियड कैन बी मैक्सिमम फाइव ईयर

या यहां तो जो है मान लो कोई बना रहा है मस्जिद बना रहा है मस्जिद नहीं बनाओगे और कोर्ट का ऑर्डर आ गया और कोर्ट का ऑर्डर पंद्रह साल तक रहा तो पंद्रह साल तक उस पर स्टे रहा स्टे आ गया तो क्या वो पंद्रह साल जो है वो तो फाइव ईयर तो एक्सपायर हो जाएंगे तो राइट आंसर इन्होंने बोला कि अगर कोई कोर्ट का अगर स्टे ऑर्डर आया तो जितना स्टे ऑर्डर है उतना वो फाइव ईयर का आपका टाइम लिमिट है उससे एक्सटेंड हो जाएगा अब एक और चीज समझना यहां पे गाइस अगर इलेवन टू का वायलेशन हो गया इलेवन टू का वायलेशन कब हो सकता है सबसे पहले अगर मान लो आपने कोई पैसा जो अक्यूमलेट किया था इलेवन टू में वो आपने कोई गलत परपज के लिए यूज कर दिया मीन अदर के लिए अदर देन स्पेसिफिक पर दूसरा अगर आपने जो फाइव ईयर्स के लिए अक्यूमलेट किया था तो उसको फाइव ईयर्स में यूज नहीं किया क्योंकि अगर फाइव ईयर्स के लिए आप एक्यूमलेट करते हो तो फाइव ईयर्स में उस पैसे को यूज करना पड़ेगा फाइव ईयर कहां से काउंट होंगे करंट ईयर जिस ईयर में अक्यूमलेन किया उस प्रीवियस ईयर को छोड़ दो नेक्स्ट फाइव ईयर लो अगर आपने फोर ईयर के लिए अक्यूमलेट किया तो फोर ईयर में करना है। अगर थ्री ईयर के लिए थ्री ईयर में अंडर सेक्शन बीबीआई रेट थर्टीट सीधा थर्टी परसेंट से टैक्सेबल कर दो अंडर सेक्शन वन वन फाइव बीबीआई और कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा अगर गलत पर्पज के लिए यूज किया तो जिस ईयर में गलत पर्पज के लिए यूज किया उस ईयर में टैक्सेबल कर दो अगर आपने फाइव ईयर के लिए एक्मिलट किया था फाइव ईयर में यूज नहीं हुआ तो फिफ्थ ईयर में टैक्सेबल कर दो अगर आपने किसी और ट्रस्ट को डोनेट कर दिया तो डोनेट जिस ईयर में किया उस ईयर में कर दो एंड अगर मान लो आपने इलेवन फाइव का वायलेशन कर दिया तो जिस ईयर में का सेफ मोड का वायलेशन होगा उस ईयर में वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा अब एक बात समझता है यहां पे एक सेक्शन आती है थर्टीन नाइन थर्टीन नाइन सेक्शन ये बोलती है कि भाई साहब अगर आपको ये इलेवन टू का एग्जामिशन चाहिए ना तो आपको दो कंडीशन सेटिस्फाइड और करनी पड़ेगी पहली कंडीशन आपको उस ईयर का रिटर्न है वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले फाइल करना पड़ेगा एंड ट्रस्ट का रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट होता है दैट इज दर्टी फर्स्ट अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। एंड दूसरी कंडीशन यह है कि उस ईयर में आप जो ये फॉर्म नंबर टेन लिख के दे रहे हो ना ये फॉर्म नंबर टेन अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपको देना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपको ये डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा एंड रिटर्न भी टाइम पे फाइल करना पड़ेगा अगर ये दोनों कंडीशन है तो आपको इलेवन टू का बेनिफिट कब नहीं मिलेगा या तो आपने अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग डिक्लेरेशन नहीं दिया या फिर रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया अब आपका डाउट ये रहेगा कि सर एक बात बताओ यहां तो बोला हुआ है कि एटलीस्ट टू मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपको डिक्लेरेशन देना है लेकिन यहां पे आप बोल रहे हो कि रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक दिया तो भी चलेगा तो सर ये तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया क्योंकि यहां पे आप बोल रहे हो कि एटलीस्ट टू मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तो रिटर्न फाइलिंग का ड्यूडेट थर्टी फर्स्ट अक्टूबर ऑफ असेसमेंट आता है मंथ पहले जाओगे तो थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट आएगा तो थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट से पहले देना है या फिर थर्टी फर्स्ट अक्टूबर से पहले देना है तो फिर यहां पे सीबीडीटी ने एक क्लेरिफिकेशन दिया और सीबीडीटी ने एक सर्कुलर निकाला दैट इज सर्कुलर नंबर सिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री और सीबीडीटी ने सर्कुलर में यह बोला है कि देखो हमने लॉ में यह डाला है कि आपको थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट से पहले पहले डिक्लेरेशन ये वाला टेन वाला एज वेल एज दाइन ए वाला जो दो ऑप्शन थे ना वो आउटस्टैंडिंग वाला एंड एनी अदर रीजन वाला वो आपको थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट से पहले पहले एओ को देने चाहिए लेकिन हमने ये क्यों डाला है जिससे कि टैक्स ऑडिटर ऑडिट करता है जब ऑडिट आप करते हो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो थर्टी सितंबर को कर रहा है तो ऑडिट करते टाइम वो उसको कंसिडर कर सके लेकिन अगर आपने थर्टी अक्टूबर तक भी आपने डिक्लेरेशन दे दिया अंडर फॉर्म नंबर नाइन ए या फिर फॉर्म नंबर टेन तो चलेगा हम आपको एग्जामिशन दे देंगे तो कुल मिला के आज की डेट में मैं ना जो टू मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग इस सेक्शन में जो डाला है एज वेल एज द एक्सप्लेनेशन नंबर वन में डाला है उसका रियल लाइफ इंप्लीकेशन नहीं है क्योंकि लास्ट में जाके सीबीटीटी ये बोलती है कि चलो आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक भी अगर आपने डिक्लेरेशन दे दिया तो हम आपका एग्जामेशन डिनाई नहीं करेंगे हम आपको एग्जामेशन दे देंगे यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस चलिए नेक्स्ट सेक्शन आती है इलेवन फोर एंड इलेवन फोर ये सेक्शन ये बोलती है कि ट्रस्ट कोई भी अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस का इनकम भी एक्जेंट होगा क्या मीन जो बिजनेस बिजनेस करेगा तो पीजीबीपी का इनकम आएगा अब वो पीजीपीपी का जो नेट प्रॉफिट आता है क्या उसको भी ऐसा करेंगे 15% 85% अप्लाइड वगैरह वैसा करेंगे क्या उसपे भी 11 12 का एक्जेमशन मिलेगा या नहीं तो यहां पर मेकर्स बोलते हैं आंसर इज यस इफ दैट बिजनेस इज इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट जैसे स्कॉन टेंपल, तो टेंपल वाले क्या करते हैं गीता की बुक प्रिंट करके बेचते हैं तो गीता की बुक जो प्रिंट करके बेच रहे हैं वो वो जो बिजनेस है इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट है तो गीता की बिजनेस की जो बुक है वो बुक से जो प्रॉफिट रहेगा वो बिजनेस का प्रॉफिट भी फिफ्टीन परसेंट एटी फाइव परसेंट और अप्लाइड वगैरह वैसा करेंगे लेकिन उसमें कंडीशन है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली मेंटेन करना पड़ेगा स जो बिजनेस है उस बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट है वो आपको सेपरेटली मेंटेन करना पड़ेगा लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर ने मान लो आपका असेसमेंट किया वो बुक्स वाले बिजनेस का गीता की बुक वाले बिजनेस का एंड अगर असेसिंग ऑफिसर ने इनकम को बढ़ा दिया

तो जो 20 लाख का इनकम बढ़ाना इस 20 ट्वेंटी के सामने आपको फिर कोई भी एक्सम्शन नहीं मिलेगा और वो 20 लाख पे फिर ट्रस्ट को टैक्स भरना पड़ेगा उसके बाद में एक सेक्शन सेक्शन आती है बेटा सेफ मोड और ये हर जगह लगेगी एक चीज ध्यान रखना जो कॉर्पस डोनेशन था वो सेफ मोड में होना चाहिए उसके साथ साथ में जो आपका इलेवन टू वाला जो ऑप्शन था वो भी आपका सेफ मोड में पैसा जाना चाहिए आगे जाके मैं आपको सेक्शन थर्टीन में ये बता दूंगा ट्रस्ट का जितना भी पैसा है वो सेफ मोड में होना चाहिए अगर ट्रस्ट का पैसा सेफ मोड में नहीं गया तो ध्यान रखना वो सीधा टैक्सेबल हो जाता है एट द रेट अंडर अंडर सेक्शन सेक्शन पूरा 30 से टैक्सेबल हो जाएगा जितना पैसा आपने सेफ मोड में नहीं डाला अब आप बोलोगे सेफ मोड कैसे याद रखे तो देखो सेफ मोड का मतलब होता है आप क्या करते हैं या तो कि गवर्नमेंट के सेविंग सर्टिफिकेट खरीदते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप याद रखिए या फिर आप यूटीआई की यूनिट्स खरीदते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी सिक्योरिटी खरीदते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा डालते हैं या फिर आप यूटीआई की यूनिट्स खरीदते हैं या फिर आप डिबेंचर खरीदते हैं कैसी किसी भी कंपनी के जिसको गवर्नमेंट ने गारंटी दी है ऐसी कंपनी के डिबेंचर खरीदते हैं या फिर म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदते हैं या इक्विटी शेयर खरीदते हैं डिपोजिटरी के डिपोजिट्री का मतलब होता है तुम्हारा सी एंड एन उसके शेयर खरीदते वो चलेगा या फिर कोई भी स्टॉक सर्टिफिकेट खरीदते जो कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015 में दे रखा है या शेयर्स खरीदते एनएसडीसी के या फिर शेयर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड सब्सिडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एन एस के शेयर खरीदते तो चलेगा तो कुल मिलाकर एक बात बताऊं ये जो पहला वाला पार्ट था उसमें आपको ऐसा याद रखना है कि या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदते हैं यूटीआई की यूनिट्स खरीदते हैं या फिर डिपोजिट्री के शेयर खरीदते हैं या स्टॉक एक्सचेंज के शेयर खरीदते हैं करके ठीक है तो वो तुम्हारा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाएगा बट रिलायंस के शेयर खरीद सकते हैं नहीं पेटीएम के शेयर खरीद सकते हैं नहीं इन सब कंपनीज के शेयर नहीं खरीद सकते सिर्फ डिपोजिटरीज के शेयर खरीद सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के शेयर खरीद सकते हैं दूसरा बोलते हैं कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं या फिर कोई भी शेड्यूल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के साथ में डिपॉजिट करते हैं तो या तो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में पैसा डालते या कोई शेड्यूल बैंक के साथ में अकाउंट में पैसा डालते आर डी वगैरह सेविंग बैंक अकाउंट वगैरह करंट अकाउंट वगैरह वहां पैसा पड़ा है चलेगा कोऑपरेटिव बैंक में पैसा चला है पड़ा है चलेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक में पैसा पड़ा है चलेगा लेकिन यहां पर एनबीएफसी नहीं लिखा हुआ ध्यान रखना और एग्जामिनर वहीं कैच करता है कि अगर आपने एनबीएफसी में पैसा डाला तो फिर वायलेशन हो गया और एनबीएफसी में पैसा डाला तो वायलेशन हो गया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन वन बीबीआई एट द रेट थर्टी परसेंट तीसरा क्या बोलता है कि अगर कोई भी ट्रस्ट है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है और डिपॉजिट कर सकता है इन एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब होता है गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी का मतलब एग्जाम्पल के लिए आज की डेट में बीपीसीएल है या फिर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है या फिर आपके जो भेल है जितनी भी आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनी है आई आर एस आई आर एस सी टी सी है रेलवे है तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी में आएगा तो इनकी कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है इनके साथ में डिपोजिट कर सकता है लेकिन सर क्वेश्चन ये आता है कि अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी आगे जाके पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही तो क्या होगा जैसे एग्जाम्पल के लिए आज की डेट में आपका आईओसीएल करके कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वो पब्लिक सेक्टर है लेकिन आईओसीएल को फॉर एन एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खरीद लिया तो क्या होगा अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खरीद लिया तो लॉ ये बोलते हैं कि पब्लिक सेक्टर कंपनी जिस डेट पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही उस डेट से लेके अगले तीन साल तक अगर आपके पास रिलायंस के शेयर है चलेगा वो तुम्हारा लिजिटिमेट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा पब्लिक सेक्टर कंपनी जिस डेट को पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं रही उस डेट से नेक्स्ट थ्री इयर्स तक अगर आपका इन्वेस्टमेंट रिलायंस में है एज रिलायंस के शेयर होल्ड करते हो वो लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा लेकिन जैसे ही थ्री इयर्स एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद इनलिजिमेट हो जाएगा और आपके लिए इनकम टैक्सेबल हो जाएगी मीस वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा वायलेशन माना जाएगा इलेवन का लेकिन अगर मान लो आपने आईओसीएल के कोई बॉन्ड्स खरीदते थे डिवेंचर खरीदे थे तो जब तक वो मैच्योर नहीं होते मैच्योरिटी भले वो तीन साल के बाद है टेन इयर्स बाद मैच्योरिटी है वो मैच्योरिटी जब तक आएगी ना तब तक ये माना जाएगा कि आपका लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट है करके ठीक है चलिए उसके बाद में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इन द बॉन्ड्स ऑफ अप्रूव फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या पब्लिक कंपनीज प्रोवाइडिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है उन कंपनीज के जो अप्रूव फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या पब्लिक कंपनीज है उनके बॉन्ड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं चलेगा या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो चलेगा उसके

यहां लॉ मेकर्स ने ये बोला कि जब ट्रस्ट है वो 11 की एग्जामिशन ले रहा है तो 10 की सीरीज की वो कोई भी एग्जामिशन नहीं ले सकता लेकिन उसके तीन एक्सेप्शन है तीन चार एक्सेप्शन है कौन कौन से एक तो टेन वन का एग्जामिशन ले सकता है एक टेन ट्वेंटी थ्री सी का एग्जामिशन ले सकता है एक ट्वेंट ट्वेंटी थ्री सी का एग्जामेशन ले सकता है टेन फोर्टी सिक्स का एक्सामिशन ले सकता है टेन फोर्टी सिक्स ए का एक्सामिशन ले सकता है अब एक बात यहाँ टेन वन का मतलब होता है एग्रीकल्चर इनकम तो अगर कोई ट्रस्ट है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता है तो एग्रीकल्चर इनकम जो होगी ना वो पूरी है उसमें फिर वो 85%, 15 करने की जरूरत नहीं है वो टेन वन का ले सकता है और बाकी वाली इनकम पेफ्टीन परसेंट एटी फाइव परसेंट वैसा कर सकता है ये सी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा टेन ट्वेंटी थ्री सी कौन सा वाला ले सकता है जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं छोटे छोटे कॉलेजेस होते हैं छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं

तो 11, ट्वेल्व की एक्मिशन के साथ में वो टेन की सीरीज की कोई में आप इतना याद रखो कॉलेजेस होते हैं है, है, जिनका ग्रॉस ग्रोस पांच करोड़ से ज्यादा नहीं है वो पूरा एक्सम्ड करा सकता है उसका इनकम वो ले सकता है टेन ट्वेंटी थ्री सी ट्रिपल वन ए डी एंड ट्रिपल वन ए करके जो अपन आगे जाके देखेंगे करके ठीक है चलिए उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन आती है दैट इज द सेक्शन नंबर ट्वेल्व ए नेक्स्ट सेक्शन आती है दैट इज सेक्शन सेक्शन नंबर 12 12 12 ए ए ये बोलती है कंडीशन ऑफ ऑफ एप्लीकेबिलिटी 11 -12. एक बात समझना अपन ने जो भी 11 12 सेक्शन पढ़ा ना वो 11 12 का एक्जामेशन आपको तभी मिलेगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए पहली कंडीशन ये कि जो ट्रस्ट है वो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर सेक्शन 12 ए बी 12 ए बी के में रजिस्टर्ड होना चाहिए एंड दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उस ट्रस्ट का टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग मींस ये एग्जामेशन वगैरह लेने से पहले मींस आप ग्रॉस टोटल इनकम ग्रॉस इनकम समझ लो ग्रॉस रिसीट समझ लो तो कोई ट्रस्ट है उसका जो टोटल इनकम है बिफोर क्लेमिंग रिसिट है तो ट्रस्ट को क्या करना पड़ेगा अपनी बनानी पड़ेगी, उसके साथ, साथ में इन द टाइम लिमिट ऑफ ऑडिट सो ऑडिट का टाइम लिमिट होता है थर्टियप्टेबर ऑफ असेसमेंट ईयर तब तक उसको क्या करानी पड़ेगी ऑडिट करानी पड़ेगी तो देखो ट्रस्ट को एग्जामेशन तभी मिलेगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए सबसे पहली कंडीशन ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन चाहिए ट्वेल्ड ए बी में ट्वेल्व ए में रजिस्टर्ड होना चाहिए दूसरा अगर उसका इनकम बेसिक एक्जामेशन से ज्यादा है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी और उसकी ऑडिट करानी पड़ेगी और ऑडिट रिपोर्ट है वो फर्निश करनी पड़ेगी अब एक बात समझना उसके साथ साथ में एक कंडीशन ये भी है कि ट्रस्ट को अगर एग्जामेशन चाहिए तो ट्रस्ट को अपना रिटर्न है वो फाइल करना पड़ेगा अप टू द ड्यू डेट गिवन अंडर सेक्शन वन थर्टी और वन थर्टी फोर वन का मतलब होता है बी लेटेड रिटर्न आप बी लेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आपको एक्जामेशन मिल जाएगी बट एटलीस्ट बीलेट रिटर्न तक का जो टाइम है तब तक आपको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो देखिए तीन कंडीशन हो गई पहला ट्वेल्व ए बी में रजिस्टर्ड होना चाहिए अगर इनकम बेसिक एक्सामिशन से ज्यादा है तो अकाउंट्स बनानी पड़ेगी और उसकी ऑडिट करानी पड़ेगी एंड तीसरा ट्रस्ट को अपना रिटर्न टाइम पे फ़ाइल करना पड़ेगा आइदर अंडर सेक्शन में है तब तक अब एक बात समझना ये ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे चलता है तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस से रिलेटेड इस बार शायद एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस मेरे को नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी जो है बहुत सारी चीजें वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से ऑलरेडी हो चुकी है तो अभी ये पहला जो पॉइंट है उस तो नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आना चाहिए अब एक बात समझना ये क्या बोलता है गाइस पहले जो ट्रस्ट होते थे ना वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ करते थे अंडर सेक्शन ट्वेल्व ए या ट्वेल्व डबल ए में अब इनको क्या बोला सबको आपको आना पड़ेगा ट्वेल्व ए बी में तो ट्वेल्व ए बी में इन सिंपल वर्ड इनको री re रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अंडर सेक्शन ट्वेल्व ए बी में तो क्वेश्चन आता है ए बी में जब उनको कन्वर्जन कराना है तो कन्वर्जन कब तक कराना है तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि जो भी ट्रस्ट पुराने रजिस्टर्ड थे ऑलरेडी ट्वेल्व ए में या ट्वेल्व ए बी में उनको री re रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अंडर सेक्शन ट्वेल्व ए बी और ट्वेल्व ए बी में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करने का टाइम लिमिट है वो थ्री मंथ फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस सेक्शन मिन ये सेक्शन जब आई थी अमेंडमेंट हुआ था amendment हुआ था फर्स्ट अप्रैल 2021 से तो फर्स्ट अप्रैल 2021 से थ्री मंथ के अंदर अंदर एप्लीकेशन करनी पड़ेगी और थ्री मंथ के अंदर अंदर एप्लीकेशन करनी पड़ेगी मिस थर्टी जून 2021 तक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी इन द फॉर्म नंबर टेन ए करके बट गाइज ये जो डेट है ना इसको एक्सटेंड कर दिया सीबीडीटी ने एज पर द सीबीडीटी सर्कुलर इस डेट को एक्सटेंड किया गया टिल थर्टियथ सेप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री 2023 सेप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक वो क्या कर सकते हैं ट्वेल्व ए ट्वेल्व डबल ए से ट्वेल्व ए बी में कन्वर्जन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं अब एक बात समझना अगर कोई ट्रस्ट ने कन्वर्जन के लिए एप्लीकेशन किया तो यहां पे सीआईटी पीसीआईटी जो है वो उसको रजिस्ट्रेशन दे देंगे अंडर सेक्शन ट्वेल्व ए बी बट कब तक देंगे विद इन थ्री मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज रिसीव जिस ईयर में एप्लीकेशन रिसीव हुआ उस मंथ के बेसिकली जिस मंथ में एप्लीकेशन रिसीव हुआ उस मंथ के एंड से थ्री मंथ के अंदर अंदर उसको ट्वेल्व ए बी में रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे और वो रजिस्ट्रेशन पांच साल के लिए देंगे वो रजिस्ट्रेशन पांच साल के लिए देंगे एंड गाइस एक्समशन आपको पहले से मिल रहा है तो एग्जामेशन आपको मिलता रहेगा तो देखिए बेटा सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि जो भी तुम्हारे एग्जिस्टिंग ट्रस्ट थे जो ट्वेल्व ए ट्वेल्व रिकनवर्ट करवाना पड़ेगा अपने आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा अपने आपको किसमें ट्वेल्व ए बी में

अगर कोई नया ट्रस्ट बनाते हो और वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको एप्लीकेशन कब तक करना पड़ेगा तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि देखिए अगर नया ट्रस्ट है ना तो जब उसका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने वाला है उस प्रीवियस ईयर से एटलीस्ट वन मंथ पहले उसको एप्लीकेशन करना पड़ेगा अब आप बोलोगे प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने वाला है तो प्रीवियस ईयर का मतलब क्या तो उस डेट से प्रीवियस नॉर्मली प्रीवियस ईयर फर्स्ट अप्रैल से होता है लेकिन जिस में आप नया कोई बिजनेस चालू करते हो नया एक्टिविटी चालू करते हो नया सोर्स ऑफ इनकम है तो उस ईयर का प्रीवियस ईयर उस डेट से चालू होता है जिस डेट को आपका नया एक्टिविटी चालू हुआ तो जब ट्रस्ट का नया एक्टिविटी चालू होने वाला है और वो ट्रस्ट बनाया अभी हमने हम एक्टिविटी चालू करने वाले मान लो एक दो महीने बाद तो अपने को क्या करना पड़ेगा जब एक्टिविटी चालू होने वाला है तब से अपना स्टार्ट होगा तो उससे एटलीस्ट वन मंथ पहले हमको एप्लीकेशन करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर टेन ए और जैसे ही हम एप्लीकेशन करेंगे विद इन वन मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वॉज रिसीव हमको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा गाइस लेकिन हमको रजिस्ट्रेशन मिलेगा थ्री इयर्स के लिए ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा ये जो थ्री ईयर्स के लिए हमको रजिस्ट्रेशन मिलेगा ना ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हमको मिल जाएगा और जिस ईयर में हमने एप्लीकेशन किया था उस प्रीवियस ईयर से हमको थ्री ईयर्स के लिए वो प्रीवियस ईयर उसका अगला वाला एंड उसके अगले वाला तीन प्रीवियस ईयर के लिए हमको जो है वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा अब एक बात समझना अब जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा उसमें भी वो लोग कोई भी इंक्वायरी नहीं करेंगे मिस एक तो जो कन्वर्जन वाला था वहां कोई इंक्वायरी नहीं होगा एक जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है उसके लिए इंक्वायरी नहीं होगा लेकिन एक बात समझना जब आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कराया तो अब आपको आगे जाके फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कब तक करना पड़ेगा तो गाइस फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा कब तक पता है या तो जब आपने एक्टिविटी चालू कर दी उस एक्टिविटी चालू की उस डेट से विद इन दिक्स मंथ मिस एक्टिविटी चालू की उस डेट से विद इन महीने के अंदर एक्सपायर -अंदर. हो रहा है एटलीस्ट सिक्स मंथ पहले विच एवर इज अर्लियर मिस दोनों में से जो अर्लियर वाला डेट रहेगा ना तब तक आपको क्या करना पड़ेगा यहां फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इन द फॉर्म नंबर टेन ए बी अब आप जब फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो विद इन सिक्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय द कमिश्नर वो आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन दे देगा लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको फाइव इयर्स के लिए देगा और यहां पे पूरी इंक्वायरीज वगैरह करने के बाद आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा लेकिन सर एक बात बताइए क्या फाइनल रजिस्ट्रेशन हमको फ्रेश फाइव ईयर्स के लिए मिलेगा या इंक्लूडिंग दैट थ्री प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वाले ईयर राइट आंसर इज इंक्लूडिंग दैट थ्री प्रोविजनल वाले ईयर तो प्रोविजनल वाले ईयर एंड यू कैन से दैट द थ्री प्लस टू है उसमें आपको ऐसे फाइनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो देखो मैंने अभी तक क्या पढ़ाया अगर आपका कोई नया ट्रस्ट है तो जब आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने वाला है उससे एटलीस्ट वन मंथ पहले आपको एप्लीकेशन करना है जैसे ही एप्लीकेशन किया उस मंथ के एंड से वन मंथ के अंदर अंदर आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा फॉर द थ्री असेसमेंट ईयर रजिस्टर किया जाएगा फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब तक करना है जैसे ही आपका एक्टिविटी स्टार्ट हुआ एक्टिविटी स्टार्ट होने के छह महीने के बाद के अंदर अंदर या फिर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है उससे एटलीस्ट छह महीना पहला विच एवर इज अर्लियर रहेगा तब तक आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अब एक बात समझना अगर ट्रस्ट ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया है 12 में के लिए तो तो फिर आपको हर फाइव ईयर बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा एवरी आफ्टर फाइव ईयर आपको रिन्यू कराना पड़ेगा और रिन्यू के लिए एप्लीकेशन आपको कब तक करना पड़ेगा तो पता है रिन्यू के लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा कि जैसे ही आपका वो फाइव ईयर्स का पीरियड है वो जब एक्सपायर होने वाला है एटलीस्ट सिक्स मंथ पहले एटलीस्ट सिक्स मंथ पहले जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मीन रिन्यू के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा जैसे ही आपने एप्लीकेशन किया उस मंथ के एंड से सिक्स मंथ के अंदर अंदर आपको वो रजिस्टर करेंगे और वो वापस आपको फाइव ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे बट विथ इंक्वायरी वो इंक्वायरी वगैरह करने के बाद में फिर फाइव ईयर के लिए आपको रजिस्टर्ड कर देंगे उसके बाद एक और किया है, तो जैसे ही उसने ट्रस्ट है उसका मान लो ऑब्जेक्ट पहले मेडिकल था लेकिन वो एजुकेशन में आ गया तो एजुकेशन में आया तो जब मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो जैसे ही मॉडिफिकेशन होता है उस डेट से थर्टी डेज के अंदर, अंदर आपको क्या करना पड़ेगा री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और जैसे ही आपने अप्लाई किया तो विथ इन दिक्स मंथ पीरियड फ्रॉम द एंड ऑफ दैट मंथ वो आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे फाइव लिए बट ये भी इंक्वायरी करने के बाद देंगे अब एक बात समझना पॉइंट नंबर है वो अभी आपको नहीं समझेगा, छोड़ दीजिए अब एक और चीज समझना मैंने आपको बोला कि अगर कोई ट्रस्ट है जो नया ट्रस्ट है तो, तो उसको क्या करना पड़ेगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा लेकिन मान लो ऐसे भी तो बहुत सारे ट्रस्ट है जो पिछले पांच साल से काम कर रहे हैं दस साल से काम कर रहे हैं पंद्रह साल से काम कर रहे हैं बट उन्होंने आज तक कभी रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं तो सर उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं लिया ना तो वो ट्वेल्व ए में रजिस्टर्ड थे ना ट्वेल्व डबल ए में रजिस्टर्ड थे ना ट्वेल्व ए बी में रजिस्टर्ड थे और अब वो डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो क्या उनको भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कैसे करेंगे प्रोविजनल के लिए क्योंकि प्रोविजनल में तो ये बोला हुआ है ना कि जैसे ही आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है उससे एक महीने पहले बट दैट इज नॉट पॉसिबल उनका प्रीवियस ईयर तो ऑलरेडी पहले से स्टार्टेड है तो उनके लिए सीबीडीटी ने इस बार क्लेरिफाई किया और सीबीडीटी ने बोला कि भाई साहब फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से ऐसा कोई ट्रस्ट है जो ऑलरेडी एक्टिविटी कमेंस कर चुका है और उसने आज तक कभी भी कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है कोई भी एग्जामेशन नहीं लिया है तो उसको क्या करना है सीधा ही फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है जो ये है ना तीसरे नंबर पे फाइनल रजिस्ट्रेशन फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए उसको अप्लाई करना है उसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है सीधा फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो और जिस मंथ में आपने अप्लाई किया उस मंथ के एंड से छह महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा विद इंक्वायरीज यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस चलिए उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है वो सेक्शन ट्वेल्व ए बी में देखा है ट्वेल्व ए बी ये बोलता है कि अगर मान लो आप जैसे वो कन्वर्जन वाला केस है ना तो उसमें तो विदाउट इंक्वायरी आपको फाइव ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा कन्वर्ट कर दिया जाएगा अगर आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें भी सीआईटी पीसीआईटी है वो कुछ भी इंक्वायरी नहीं करेंगे और आपको थ्री ईयर के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देंगे लेकिन गाइज अगर मान लो बाकी किसी भी केस में आप अगर एप्लीकेशन कर रहे हो जैसे या तो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए या आफ्टर फाइव ईयर रिन्यू के लिए या मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन के लिए तो उस केस में क्या होगा कि सीआईटी पीसीआईटी अपने आप को सेटिस्फाइड करेंगे कि आपके ट्रस्ट की जो एक्टिविटी है वो जेन्युन है या नहीं है उसके साथ साथ में आप किसी और लॉ को अगर कंप्लाई करना है जैसे जीएसटी वगैरह मान लो दूसरा लॉ भी लगता है तो उसको आप कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं जो फेमा वगैरह है उसको कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं एंड भैया वो उसके साथ साथ में ये भी देखेंगे करके ठीक है कि भैया जो भी ट्रस्ट का ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव सही है या नहीं तो इन सिंपल वर्ड में आपको बताऊं देखो जब भी आप देखो पहले वाले दो थे ना उसमें तो क्या होता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन एंड कन्वर्जन वो तो बिना इंक्वायरी के दे देंगे बट जब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो या आफ्टर फाइव तो उसमें सीआईटी पीसीआईटी आपका पूरा इंक्वायरी करेंगे मीन इन डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद में आपको वो रजिस्ट्रेशन देंगे करके ठीक है उसके बाद वो अपने आप को सेटिस्फाई करेंगे और देखेंगे कि आपकी एक्टिविटी जेन्युइन है या नहीं और वो एक ऑर्डर पास कर देंगे या तो आपको रजिस्टर कर देंगे या फिर रिफ्यूज टू रजिस्टर कर देंगे या तो आपको रजिस्टर कर देंगे या फिर रिफ्यूज टू तो रजिस्टर कर देंगे एंड गाइस उसके साथ साथ में अगर मान लो पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे रखा है और उन्होंने रिफ्यूज टू तो रजिस्ट्रेशन किया तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर देंगे चलिए अब एक और चीज समझना एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जिसपे आपको ध्यान देना है लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि अगर मान लो कोई ट्रस्ट है उसको मान लो रजिस्ट्रेशन दे दिया प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन या फाइनल रजिस्ट्रेशन कोई भी दे दिया लेकिन बाद में जाके अगर सीआईटी को लगता है कि उस ट्रस्ट ने कोई स्पेसिफाइड वायलेशन कर दिया है

या फिर ट्रस्ट कोई ऐसा बिजनेस करने लगा जो नॉन इंसिडेंटल टू अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रस्ट है इंसिडेंटल इंसिडेंटल बिजनेस बिजनेस नहीं है है या फिर है, लेकिन उसका बुक्स ऑफ मेंटेन नहीं किया या फिर ट्रस्ट है वो किसी प्राइवेट रिलीजियस पर्पज के लिए काम कर रहा है सिर्फ मान लो मैंने एक ट्रस्ट बनाया मैं और मेरे घर वाले ही दर्शन करेंगे भगवान के ऐसा कर रहा है या ट्रस्ट जो है वो पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी या कास्ट के लिए काम करने लग गया या ट्रस्ट की एक्टिविटी है वो जेन्युअन नहीं है और जिस कंडीशन पे उसको रजिस्ट्रेशन दिया था उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली ट्रस्ट काम नहीं कर रहा है या ट्रस्ट कोई दूसरे लॉ का वायलेशन कर देता है जैसे फेमा वगैरह का वायलेशन कर देता है एंड एक और पॉइंट यहां डाला है कि ट्रस्ट जो है उसने अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो है वो उस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन डाली है या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन डाली है तो उस पर्टिकुलर केस में ये भी स्पेसिफाइड वायलेशन माना जाएगा फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल 2023 एंड गाइस कमिश्नर क्या करेगा अगर मान लो सीआईटी पीसीआईटी को पता चलता है कि स्पेसिफाइड वायलेशन हुआ है स्पेसिफाइड वायलेशन क्या होता है क्या अगर मान लो ट्रस्ट है वो क्या कर रहा है अपने इनकम को किसी और ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहा है या उसका वो कोई बिजनेस चालू कर देता है जो नॉन इंसिडेंटल है या बिजनेस चालू करता है वो इंसिडेंटल है बट उसका बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली मेंटेन नहीं कर रहा है या प्राइवेट रिलीजियस पर पर्पज के लिए हो जाता है या स्पेसिफिक कास्ट कम्युनिटी के लिए हो जाता है या फिर मान लो वो जो ट्रस्ट है उसकी एक्टिविटी जेनुअन नहीं रहती या ट्रस्ट है वो किसी और लॉ को कंप्लाई नहीं कर रहा है या फिर ट्रस्ट ने जो एप्लीकेशन किया था उस एप्लीकेशन में फॉल्स इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा पता है उस पर्टिकुलर केस में गाइस अगर ऐसा होता है स्पेसिफाइड वायलेशन अब आप मुझे बोलोगे ये स्पेसिफाइड वायलेशन कैसे पता चला सीआईटी पीसीआईटी को तो या तो सीआईटी पीसीआईटी ने खुद ने नोटिस किया या फिर एओ जब असेसमेंट कर रहा था अंडर सेक्शन 1433 स्क्रूटनी तो एओ को पता चला कि ट्रस्ट ने ऐसा वायलेशन किया तो एओ अपना केस रेफर किसको करता है सीआईटी पीसीआईटी को तो सीआईटी पीसीआईटी को एओ से रेफरेंस मिला है या फिर सीआईटी पीसीआईटी को को कोई सीबीडीटी की जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से पता चला जो सीवीडीटी की रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से पता चला तो उस केस में क्या होगा पता है अगर मान लो सीआईटी पीसीआईटी को ऐसा पता चलता है या तो खुद को पता चला या रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी से पता चला या एओ ने रेफर किया है तो वो क्या करेगा पता है सबसे पहले अगर उसको लगता है तो वो कॉल फॉर सच डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन मंगवाएगा पहले डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन मंगाएगा वो देखेगा कि स्पेसिफाइड वायलेशन हुआ है या नहीं उसके बाद वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि स्पेसिफाइड वायलेशन हुआ है या स्पेसिफाइड वायलेशन नहीं हुआ बट आफ्टर गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग बीड अब एक बात समझना आफ्टर गिविंग द ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अगर मान लो उसको लगता है कि स्पेसिफाइड वायलेशन हुआ है तो वो क्या करेगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड देने के बाद ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा उस साल के लिए एंड फ्यूचर ईयर के लिए उस साल के लिए एंड फ्यूचर ईयर के लिए वो ट्रस्ट का क्या करेगा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा बट अगर उसको लगता है कि स्पेसिफाइड वायलेशन नहीं हुआ करके ठीक है थोड़ा बहुत गलती हुआ था स्पेसिफाइड वायलेशन नहीं हुआ तो भी वो ऑर्डर पास करेगा और वो ऑर्डर पास करेगा कि भैया स्पेसिफाइड वायलेशन नहीं हुआ तो रिफ्यूज टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन का ऑर्डर पास होगा लेकिन ये ऑर्डर कब तक पास करना पड़ेगा इधर कैंसलेशन का और नॉट टू कैंसिलेशन का ऑर्डर का टाइम लिमिट है सिक्स मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर इन विच फर्स्ट नोटिस इज इशूड बाय द सीआईटी पीसीआईटी इन्फॉर्मेशन अब एक बात समझना जिस मंथ में जिस क्वार्टर में बेसिकली इश्यू किया था नोटिस इन्फॉर्मेशन मंगवाने के लिए उस क्वार्टर के एंड से छह महीने के अंदर अंदर है, वो यह ऑर्डर पास कर देगा और ऑर्डर पास करने के बाद उसका जो कॉपी है वो ट्रस्ट को एज वेल एज एओ को भेज देगा डन नेक्स्ट पार्ट पे चलते एंड दैट नेक्स्ट पार्ट इज एक्शन थर्टीन वन थर्टीन वन बोलती है गाइज के जो सेक्शन इलेवन ट्वेल्व में हमने एग्जामिशन पढ़ा था वो मिलेगा ही नहीं कब चार केसेज में पहला तो अगर मान लो कोई ट्रस्ट है वो प्राइवेट रिलीजियस पर्पज के लिए काम करने लग गया दूसरा अगर ट्रस्ट है उसका बेनिफिट किसी स्पेसिफिक स्पेसिफिक कास्ट कम्युनिटी को मिलने ही लग गया अब एक चीज समझना अगर कोई ट्रस्ट प्राइवेट रिलीजियस या फिर मान लो रिलीजियस कम्युनिटी वगैरह के लिए काम करता है तो तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो स्पेसिफाइड वायलेशन में आ जाएगा गैस तीसरा पॉइंट क्या बोलता है अगर ट्रस्ट है उसने अपना इनकम या याट है वो ट्रस्ट के रिलेटिव के लिए यूज करने लग गया ट्रस्ट के रिलेटिव कौन कौन होते हैं तो ट्रस्ट के रिलेटिव एक तो ऑथर और फाउंडर ऑफ द ट्रस्ट दूसरा कोई भी पर्सन जिसने ट्रस्ट को फिफ्टी थाउजेंड से ज्यादा का डोनेशन दिया इसको मैं सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर बोल सकता हूं तीसरा अगर एच है वो एच अगर आपका फाउंडर ऑथर या सबस्टेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर है तो उसके जितने भी मेंबर है वो ट्रस्ट के रिलेटिव हो जाएंगे चौथा ट्रस्टी और मैनेजर ट्रस्टी और मैनेजर ऑफ द ट्रस्ट एंड पांचवा गाइज ये जितने भी लोग ऊपर कवर हुए हैं उनके जो रिलेटिव है, रिलेटिव का मतलब जो 56 10 में जो 56 10 में जो में में अपन अपन ने ने झाड़का पढ़ा पढ़ा था, था, वो वाले रिलेटिव। रिलेटिव भी ट्रस्ट के रिलेटिव माने जाएंगे and guys, इनका अगर किसी भी concern में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो वो कंसर्न भी रिलेटिव माना जाएगा तो गाइस अगर कोई ट्रस्ट है इसने ट्रस्टी वगैरह को बेनिफिट दिया फाउंडर वगैरह को बेनिफिट दिया तो फिर उसको एक्सम्स इलेवन ट्वेल्व का नहीं मिलेगा लेकिन कितना नहीं मिलेगा जितना बेनिफिट दिया तो जितना बेनिफिट दिया उस पर नहीं मिलेगा एंड गाइस ट्रस्ट ने अपना जितना भी पैसा है वो इलेवन फाइव में जमा नहीं कराया तो जितना पैसा इलेवन फाइव में जमा नहीं कराया उतना जो है वो भैया उस अमाउंट पे एग्जेम्पन नहीं मिलेगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन वन वन फाइव बीबीआई तो यहां पे मैं दो चीजें बता रहा हूं रिलेटिव तो को बेनिफिट दिया एंड दूसरा जितना पैसा आपने सेफ मोड में नहीं डाला तो इसमें ट्रस्ट का पूरा एक्सामेशन विद्रॉ नहीं होगा जितना वायलेशन नहीं है लेकिन स्टार्टिंग के दो पॉइंट ऐसे जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन को क्या करना पड़ेगा कैंसिल करना पड़ेगा यू गॉट माई पॉइंट चलिए उसके बाद में इलेवन वन इलेवन वन क्या बोलती है कि अगर ट्रस्ट ने कोई कैपिटल अट ट्रांसफर की उस उसपे कैपिटल गेन हुआ तो क्या कैपिटल गेन भी होगा या नहीं तो यहां लॉ मेकर बोलते हैं कि अगर कोई कोई ट्रस्ट है उसने कैपिटल कैपिटल ट्रांसफर की उस गेन हुआ तो कैपिटल गेन भी एक्जेंट हो जाएगा अगर उन्होंने उस पैसे से कोई दूसरी असेट खरीद ली अब यह कैपिटल गेन कितना एक्जेंट होगा कि अगर नेट कंसिडरेशन फुल्ली यूटिलाइज किया है नेट कंसिडरेशन जो था वो अगर वो पूरा यूटिलाइज हो गया तो तो कैपिटल गेन पूरा एक्ज हो जाएगा

अब ये कैपिटल गेन 5.5 पॉइंट फाइव लगता है तो उस पर उन्होंने पहले तो 15 परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया बाकी जो बचा था अब और उन्होंने क्या किया नया नयाट है वो 12 में खरीदा है तो नया आसेट 12 में खरीदा तो आपका नेट कंसिडरेशन पूरा यूटिलाइज हो गया तो आपका कैपिटल गेन पूरा एक्जेम होगा तो फाइव से पहले तो फिफ्टीन स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया और फिर वापस फाइव का एक्जेम्पन ले लिया गाइस नेट कंसिडरेशन से ऊपर कितना 1.5 लाख आपने इन्वेस्ट किया तो 1.5 लाख को भी आपने अप्लाइड में ले लिया जब वो क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा अब एक बात समझना एक सेक्शन होती है 115 मैंने ये जो लेक्चर है इसमें कम से कम दस बार ये बोला होगा बीबीए 115 बीबीए 115 क्या बोलती है कि कुछ इनकम ऐसी होती है ना जिसमें सीधा थर्टी परसेंट टैक्स लग जाएगा स्टैंडर्ड टैक्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन सेक्शन बीबीए ये बोलती है कौन कौन सी इनकम सबसे पहला अगर मान लो आपने कोई इनकम को एक्ूमलेट किया जो कि 15 परसेंट से ज्यादा है बिकॉज जितना भी इनकम होता है ना उसमें से आप कितना स्टैंडर्ड डिडक्शन 15 परसेंट उससे ज्यादा अक्यूमलेट नहीं कर सकते अगर मान लो ज्यादा एक्मलेट कर रहे हो और जो लॉ में अलाउ नहीं है तो उस वाले अमाउंट पे आपका थर्टी टैक्सेबल हो जाएगा दूसरा जो एक्सप्लेनेशन नंबर वन जो आपको दो ऑप्शन आप, दे रखे थे ना वाला वाला और any other reason वाला, और वो वो अगर आपने उसको actual में में नहीं नहीं किया तो जिस ईयर कर रहे हो उस ईयर में वो वापस इनकम बन जाएगा एंड टैक्सेबल हो जाएगा अंडर दिस सेक्शन एक वो इलेवन टू का वायलेशन हो गया वो जो चार कंडीशन स्पेसिफिक पर्पस स्पेसिफिक पीरियड किसी और ट्रस्ट को डोनेट नहीं करना है और वो इलेवन में जमा कराना है उसका वायलेशन हुआ तो उसके बाद अगर मान लो कोई भी अमाउंट है वो किसी लाइक फाउंडर वगैरह ट्रस्टी वगैरह के लिए पैसा यूज किया तो उतना वन वन फाइव बीबीआई में टैक्सेबल हो जाएगा जितना पैसा आपने इलेवन फाइव में जमा नहीं कराया सेफ सेफ इन्वेस्टमेंट में वो टैक्सेबल हो जाएगा एंड गाइज अगर कोई भी अमाउंट है वो इंडिया के बाहर किसी पर्पज के लिए यूज किया क्योंकि आपको जो ट्रस्ट का पैसा है वो चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पज इन इंडिया के लिए यूज करना है इंडिया के बाहर के लिए यूज किया तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी जो है उस वाले अमाउंट पे नहीं मिलेगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा सीधा 30 की रेट से अब एक और बात समझना ये जितनी भी इनकम यहां टैक्सेबल हो रही है इसके सामने कोई भी खर्चा कोई भी अलाउंस कोई भी सेट ऑफ ऑफ लॉसेज वगैरह नहीं होगा यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस चलिए उसके बाद एक और सेक्शन है दैट इज क्या है समझने की कोशिश कर रहा सेक्शन थर्टीन ये बोलती है कि एक बात बताओ आपको अगर याद रहेगा मैंने जहां ये टॉपिक चालू किया था वहां मैंने बताया था चैरिटेबल पर्पस का मतलब क्या होता है रिलीफ ऑफ पुअर मेडिकल एजुकेशन योगा प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ वो सब था उसमें एक पॉइंट ऐसा था कि अगर मान लो उसका जो ऑब्जेक्टिव है एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी तो उसका बिजनेस रिसेट है वो टोटल ग्रॉस रिसिट के 20 परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर 20 परसेंट से ज्यादा हो गया तो क्या होगा तो लॉ पे क्या बोलते हैं कि अगर मान लो कोई ट्रस्ट है उसका कमर्शियल 20 से ज़्यादा हो गया एंड उसका ऑब्जेक्टिव है एनी तो चैरिटेबल नहीं है उस में उसको नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपको याद रहेगा मैंने आपको बोला कि ट्रस्ट को अगर एग्जामेशन इलेवन का चाहिए तो बुक्स ऑफ अकाउंट में बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई नहीं या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करानी पड़ेगी उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट नहीं कराई या फिर उनको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अंडर सेक्शन वन थर्टी फोर में टाइम लिमिट दे रखी है और उन्होंने वो नहीं किया अगर गाइज ऐसा वायलेशन हुआ तो उस साल में उसको एग्जामेशन तो मिलेगा ही नहीं भाई देखो यहां चार वायलेशन पहला कौन सा क्या अगर एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी का उसका ऑब्जेक्टिव है एंड उसका कमर्शियल रिसिट है वो ट्वेंटी परसेंट से ज्यादा है टोटल ग्रॉस रिसिट के दूसरा ट्रस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाता है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई बट उसकी ऑडिट नहीं कराई या फिर उन्होंने ट्रस्ट ने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया अंडर सेक्शन 139, 139 फोर में तो उस केस में उस ईयर में एक्जेंशन तो नहीं मिलेगी कोई एग्जेम्पन नहीं मिलेगी बट ट्रस्ट की इनकम कैसे निकाले फिर क्या सीधा ग्रॉस रिसिट टैक्सेबल कर दे ना बाबा ना फिर यहां लॉ बास बोलते एक काम करो कि ट्रस्ट का इस साल का जितना ग्रॉस रिसिट है वो ले लो और उसमें से माइनस कर दो जितने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ट्रस्ट के वो सब माइनस कर दो बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर द ट्रस्ट परपज इन इंडिया मीन इंडिया में जितना रेवेन्यू खर्चा किया है वो आप लेस कर दो जो बचेगा वो ट्रस्ट की इनकम है और उस पर ट्रस्ट को टैक्स भरना पड़ेगा उसको फिफ्टीन परसेंट एटी फाइव कुछ नहीं करना पहले जितना ग्रॉस रिसेट है वो ले लो माइनस कर दीजिए जितने रेवेन्यू खर्चे है ट्रस्ट के वो माइनस कर दीजिए बट रेवेन्यू खर्चे जो इंडिया में इंडियन पर्पज के लिए यूज किया है और जो बचेगा दैट विल बी ट्रीटेड ट्रस्ट का इनकम जो बचेगा वो ट्रस्ट का इनकम माना जाएगा लेकिन उसमें कुछ कंडीशन और सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लेस होगा लेकिन वो खर्चा अगर कॉर्पस में से पैसा निकाल के किया है तो नहीं होगा वो पैसा अगर आपने लोन लेके रेवेन्यू खर्चा किया है तो वो लेस नहीं होगा या फिर कोई भी असेट जिसकी एक्चुअल कॉस्ट डिडक्शन ले लिया था उस पर डेप्रिशिएशन ले रहे हो वो नहीं होगा करके एंड गाइज

ए ए ए ए सब सब सेक्शन एंड क्लॉज क्लॉज को भी फॉलो करना पड़ेगा कि भाई दस से ज्यादा का कैश में पेमेंट नहीं होना चाहिए अगर मान लो पेमेंट किया रेजिडेंट को तो टीडीएस काटना पड़ेगा अदरवाइज डिसअलाउड होगा वो सब करना पड़ेगा एंड इसके अलावा रेवेन्यू खर्चों के अलावा का इसके सामने कोई भी डिडक्शन और नहीं मिलेगा पुराने कोई भी लॉसेज वगैरह सेट ऑफ नहीं कर सकते वो सब कुछ भी नहीं होगा चलिए उसके बाद एक सेक्शन आती है दैट इज रिलेटेड टू द एनोनमस डोनेशन

तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि जो स्कूल के ट्रूवर्ड मिला है या जो हॉस्पिटल के ट्रूवर्ड्स मिला है मेडिकल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मिला है, वो वन वन फाइव बीबीसी में आएगा और जो अदर वाला है वो आपके नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जाएगा तो मैंने क्या बोला देखो रिलीजियस ट्रस्ट है तो एनोनमस डोनेशन को नॉर्मल डोनेशन मान लो 15 परसेंट एटी परसेंट वगैरह वो सब करो नॉर्मल डोनेशन बट अगर चैरिटेबल ट्रस्ट है या चैरिटेबल एंड रिलीजियस है तो चैरिटेबल रिलीजियस है तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशन के वर्ड है उसको यहां पे ले लो चैरिटेबल ट्रस्ट है तो भी यहां पे ले लो अब एक बात समझना डोनेशन कितना टैक्सेबल होता है तो लॉ मेकर्स बोलते एक काम करो पहले आप पूरा एनॉनमस डोनेशन जितना मिला है वो ले लो उसमें से आप माइनस करोगे फाइव परसेंट ऑफ टोटल डोनेशन एंड वन लैख रुपीज विच एवर इज हायर 5% परसेंट ऑफ टोटल डोनेशन एंड वन लैख विच एवर इज हायर यह जो हायर रहेगा वो लेस कर दो जो बचेगा दैट विल बी टैक्सीबल एट द रेट 30%. जो बचेगा दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट थर्टी परसेंट बट आपका डाउट ये आएगा कि सर यहां पे जो लेस कर रहे हैं ये लेस कर रहे हैं ये एग्जेक्ट होगा क्या अरे गाइज ये भी टैक्सेबल होगा बट ये फिर नॉर्मल रेट में चला जाएगा मीन्स ये जो इतना आप लेस कर रहे हो ना फिर इसको आप नॉर्मल डोनेशन के साथ ले लो और उस पर फिफ्टीन परसेंट एटी फाइव परसेंट अप्लाइड वगैरह वैसा आपको करना है इस, इस वाले पे जितना लेस हो रहा है बट गाइज जो यहां पे बैलेंस बचा था दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एट द रेट थर्टी परसेंट यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस चलिए अब एक और चीज समझना सेक्शन आती है टेन ट्वेंटी थ्री सी टेन ट्वेंटी थ्री सी को आप तीन पार्ट में सीखने की कोशिश करेंगे टेन ट्वेंटी थ्री सी क्या बोलती है सबसे पहला कि पहला पॉइंट में यह बोलेगी कि अगर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसको बोलेंगे कि जिसका टोटल रिसिट होता है ना उसमें 50 परसेंट से ज्यादा गवर्नमेंट ग्रांट मिला है मिस उसकी टोटल रिसिट में फिफ्टी परसेंट से ज्यादा गवर्नमेंट ग्रांट मिला पड़ती देर इज नो रजिस्टर उनकी इनकम एग्जाम दूसरा एक सेक्शन होता है टेन ट्वेंटी थ्री सी त्रिपल वन एडीड्रिपल वन एल एडी एंड त्रिपल वन ए सेक्शन ये यह ये बोलता है कि अगर कोई छोटे छोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या छोटे छोटे हॉस्पिटल है जिनका ग्रॉस रिसिट है वो पूरे साल का मिला के फाइव लैक्स से ज्यादा नहीं है एंड उनका मेन पर्पज एजुकेशन है मेन पर्पज हॉस्पिटल वगैरह है उनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है देर इज नो मोटिव ऑफ प्रॉफिट देर इज नॉट फॉर द प्रॉफिट पर्पज तो गाइज उनकी इनकम पूरी है लेकिन इनको भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है देर इज नो रजिस्ट्रेशन एट ऑल नो रजिस्ट्रेशन देखो मैंने क्या बोला कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है हॉस्पिटल है और जिनका ग्रॉस अप टू फाइव करोड़ है एंड देर प्रॉफिट पर्पज नहीं है तो उनको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं वो फिफ्टीन कुछ भी नहीं पूरा इनकम एग्जाम है लेकिन मान लो कोई इंस्टीट्यूशन ऐसी है जिसका एक हॉस्पिटल भी चलता है एक स्कूल भी चलता है हॉस्पिटल का ग्रॉस रेसिट थ्री करोड़ है स्कूल का थ्री करोड़ है टोटल सिक्स करोड़ कैन दी क्लेम दिस आंसर इज नो बिकॉज दोनों का एग्रीगेट मिला के फाइव करोड़ से ज्यादा हो गया तो फिर यह वाली एग्जामेशन क्लेम नहीं कर सकते यह वही लोग कर सकते हैं जो एग्रीगेट ग्रॉस रेसिट फ्रॉम हॉस्पिटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मिला के अप टू फाइव करोड़ होना चाहिए अब एक बात समझता एक तीसरी कैटेगरी आती है तीसरी कैटेगरी यह बोलती है कि भाई साहब अगर कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ऐसा कोई हॉस्पिटल्स वगैरह है जो इसमें भी कवर नहीं होता इसमें भी कवर नहीं होता मिस ना तो गवर्नमेंट है ना छोटा छोटा बड़ा हो बड़ा हॉस्पिटल है जैसे मान लो टाटा मेमोरियल है जो कैंसर हॉस्पिटल है या ऐसे जो है हॉस्पिटल जैसे रिलायंस का जो है कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह है तो वो इसमें भी नहीं आ रहे इसमें भी नहीं आ रहे तो उनके केस में क्या होगा तो लॉ मेकर्स बोलते हैं उनके केस में फिर यहां पे एग्जामेशन इन सेक्शन में मिलेगी टेन ट्वेंटी थ्री सी क्लॉज नंबर फोर फाइव सिक्स ए में लेकिन इसके लिए इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा इसके लिए इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन का सिनेरियो सेम वैसा ही चलेगा जैसा मैंने ट्वेल्व ए बी के लिए पढ़ाया था कन्वर्जन के, के केस में क्या होगा न्यू के केस में क्या होगा आफ्टर फाइव ईयर क्या होगा जो मैंने पढ़ाया था ना वो का वो तो इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सीआईटी पीसीआईटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा अब आपका डाउट यह आएगा कि सर एक बात बताइए इनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं इनको भी जरूरत नहीं बट इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा आंसर इज यस और इन्होंने अगर रजिस्ट्रेशन ले लिया तो फिर इनको एग्जामेशन कैसे मिलेगी पता है सेम वैसी की वैसी मिलेगी जैसा अपन नॉर्मल ट्रस्ट में पढ़ रहे थे मिस 15 आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लीजिए बाकी वाला 85 उसमें से अप्लाइड करिए जो अपन ने वहां पढ़ा हुआ है ना वैसा का वैसा आपको सेम डिट्टो वैसा का वैसा है आज की डेट में तो आपका डाउट ये रहेगा कि सर मान लो हमने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह कोई ट्रस्ट बनाया तो हम रजिस्ट्रेशन कहां ले हम ट्वेल्व ए बी में ले या फिर हम टेन ट्वेंटी थ्री सी क्लॉज नंबर फोर फाइव सिक्स एम ले गाइज आप दोनों में से कहीं भी ले सकते हो इट्स योर चॉइस कंप्लीटली आज की डेट में आपके पास चॉइस है आप चाहो तो ट्वेल्व बी में ले लो आप चाहो तो यहां पे ले लो और गाइज वहां पे एक सेक्शन यह बोलती है कि अगर आप ट्वेल्व बी में भी रजिस्टर्ड हो और आप यहां पे भी रजिस्टर्ड हो तो उस पर्टिकुलर केस में ट्वेल्व ए बी का रजिस्ट्रेशन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा और अगर वहां पे वापस आपको ऑपरेटिव कराना है तो यह इनऑपरेटिव हो जाएगा तो इन सिंपल वर्ड में आपको बताऊं दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मिस ये वाली सेक्शन 1023 सी क्लॉज नंबर 4566 फाइव एंड 12 ए बी इज अ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव आज की डेट में ट्रस्ट या तो उधर रजिस्ट्रेशन ले ले या फिर इधर अप्रूवल ले वो दोनों जगह रजिस्ट्रेशन अप्रूवल है वो नहीं ले सकता है यू गॉट माय पॉइंट और नॉट यस इसके आगे कुछ केस लॉज हैं चलिए एक एक केस लॉ डिस्कस करते हैं सबसे पहला केस लॉ न्यू एजुकेशनल ट्वेंटी टू सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अब एक बात समझना यहाँ पे ऊपर जो मैंने बताया था यहाँ पे अगर मैं 10 की बात करूं, तो यहाँ पे देखिए हर जगह क्या लिखा हुआ है कि यहां पे आपका जो है वो एजुकेशनल या हॉस्पिटल जो होता है इंस्टीट्यूशन दैट शुड बी होली सोल्ली फॉर द एजुकेशनल और मेडिकल पर्पज होना चाहिए तो सोल्ली का मतलब क्या जैसे यहां पे क्या हुआ कि ये जो सोसाइटी था ये जो ट्रस्ट था ये लोग क्या करते हैं कि मान लो ये एजुकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो चलेगा उसके साथ साथ में बुक भी बेच रहे हैं तो चलेगा अगर बुक्स वगैरह दे रहे हैं तो वो चलेगा अगर उसके साथ में ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी है बच्चों को घर से लेके आते हैं छोड़ते हैं वो भी चलेगा वो आपका एजुकेशनल माना जाएगा लेकिन एक बात बताओ क्या ये लोगों ने क्या किया तुमको अपनी जो प्रीमाइसिस को भाड़े पे दे दी अपनी जो प्रीमाइसिस तो क्या भाड़ा आ रहा है वो सोलली एजुकेशनल एजुकेशन माना जाएगा आंसर इज नो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सोलली एजुकेशनल पर्पज और उसमें फिर एग्जेम्शन नहीं मिलेगा यू गॉट माई पॉइंट नॉट यस चलिए उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड अदर्स 2022 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस केसलो में ये बोला गया कि सर एक बात बताइए जो एनी अदर मोड ऑफ वहां पे जो था ना एनी अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी उसमें जो कमर्शियल रिस्ट है वो टोटल रिसिट के 20 परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए बट कमर्शियल रिसिट कैसे कैसे पता चलेगा ये कमर्शियल एक्टिविटी है या नहीं है तो इन्होंने बोला दट केस टू केस है वो एओ डिसाइड करेगा

अब एजुकेशन पर्पज का मतलब ऑब्वियसली की डिग्री जो होती है ट्वेल्थ की डिग्री है ये सब जो होता, या कोई डिग्री डिप्लोमा होता वो एजुकेशन है लेकिन अगर डिग्री डिप्लोमा दे रहे हैं ट्रेनिंग दे रहे हैं तो क्या वो भी एजुकेशनल माना जाएगा yes. ने बोला यस वो भी एजुकेशनल माना जाएगा लेकिन ऑब्वियसली उसका मेन मोटिव प्रॉफिट बनाना नहीं होना चाहिए मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट बनाना नहीं होना चाहिए तो वो भी तुम्हारा एजुकेशन माना जाएगा चलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है एग्जिट या जिसको जो अभी तक मैंने पढ़ा या एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहां से मिलेगा बट सेवन टू एट मार्क का क्वेश्चन आपको दोनों में से एक जगह से मिलने वाला है ध्यान देना चलिए अपन बात करते हैं ध्यान देना यहां पे एक जो सेक्शन है दैट इज द वन डाली गई और ये सेक्शन यह बोलती है कि अगर कोई ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के केस में तीन केसेस में उसका जितना भी इनकम इनकम होगा का मतलब ट्रस्ट के पास जितनी है ना अटेट उन सब अट का फेयर मार्केट वैल्यू निकाल दो उसको बोलेंगे एक्रिएटेड इनकम और उसकी जो टोटल रहेगी ना उस पर एमएमआर की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा एंड गाइज यहां पर एमएमआर होगा थर्टी फोर पॉइंट नाइन फोर फोर परसेंट यहां पर थर्टी इज टैक्स रेट 12% आपका सरचार्ज ऑलवेज 12% एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% एक चीज समझना नॉर्मली मैक्सिमम मार्जिनल रेट है ना वो आपका थर्टी परसेंट थर्टी फोर परसेंट नहीं होता वो ज्यादा होता है क्योंकि थर्टी परसेंट आप टैक्स रेट लेते हो उसमें ट्वेंटी फाइव परसेंट या थर्टी सेवन परसेंट सरचार्ज एड करते हो अगर वन वन फाइव बी एस सी के हिसाब से तो ट्वेंटी परसेंट अदरवाइज आपका थर्टी सेवन परसेंट एंड फोर परसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एड करते हो तो वो गाइस थर्टी नाइन परसेंट या फोटी टू पॉइंट समथिंग परसेंट जाता है लेकिन ये एक ऐसा एक्सेप्शनल केसेज है जहाँ पर ध्यान रखना आपका एम एम आर जो है वो थर्टी फोर पॉइंट नाइन फोर फोर परसेंट है अब ये सेक्शन क्या बोलती है कि अगर कोई ट्रस्ट है या पे है जो कि ट्वेल्व ए बी में रजिस्टर्ड था या फिर था 1023, 45668. एक guys, मैं अभी तो आपको बताया सिमिलर टू द आपका ट्वेल्व डबल ए ट्वेल्व ए बी सॉरी एक बात बताओ कहीं पे भी रजिस्टर्ड था तो इन सिंपल वर्ड अगर कोई ट्रस्ट ऐसा है कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो कि या तो ट्वेल्व ए बी में रजिस्टर्ड था या फिर आपका टेन ट्वेंटी थ्री सी क्लॉज नंबर फोर क्लॉज नंबर फाइव सिक्स था एंड गाइज अगर ये तीन केस हुए तीन वायलेशन हुए तो उसकी जितनी भी असेट रहेगी ना उसको एक्रीएटेड इनकम बोला जाएगा और उस पर उसको एमएमआर की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा सर कौन से वायलेशन सबसे पहला अगर वो ट्रस्ट जो है वो कन्वर्जन हो जाता है कन्वर्जन ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इनटू द नॉन एलिजिबल फॉर्म उसका कन्वर्जन हो जाता है इन द नॉन एलिजिबल फॉर्म अब आप बोलोगे नॉन एलिजिबल फॉर्म का मतलब क्या होता है तो नॉन एलिजिबल फॉर्म का मतलब यहां पे ये जो तीन चीजें पर उसमें से कुछ हुआ पहला अगर वो ट्रस्ट है उसका रजिस्ट्रेशन जो था 12 ए बी में या टेन ट्वेंटी सी का अप्रूवल था वो कमिश्नर कैंसिल कर देता है सीधा कैंसिल मार देता है कैंसिल कर दिया तो मान लिया जाएगा वो ट्रस्ट है वो नॉन एलिजिबल फॉर्म में आ गया या फिर उन्होंने क्या किया अपने ऑब्जेक्टिव में कुछ मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन कराया एंड उस प्रीवियस ईयर में उन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया या फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था लेकिन उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो देखिए मैंने क्या बोला देखिए ध्यान देना अच्छे से बिकॉज यहां अमेंडमेंट भी है यहां पर लॉ मेकर्स बोलते हैं कि तीन केसेस ऐसे हैं जिसमें जो ट्रस्ट है या इंस्टीट्यूशन जो 12 ए बी टेन ट्वेंटी सी में रजिस्टर्ड था उसका

वो ट्रस्ट ने री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गाइस जो ट्वेल्व एबी में एबी में रजिस्टर को सबको ट्वेल्व एबी में रजिस्टर कराना है री रजिस्ट्रेशन कराना, रे कराना पड़ेगा या फिर टेन सी जो पुराने में अप्रूव थे उनको वापस से अप्रूवल कर लेना पड़ेगा वो नहीं कराया या फिर उन्होंने रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं कराया क्योंकि एवरी फाइव ईयर्स में अब रजिस्ट्रेशन होगा वो नहीं कराया या फिर उन्होंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया था लेकिन फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लिया था एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो गाइज यहां पे यह माना जाएगा इन केसेस में कि के ट्रस्ट का कन्वर्जन हो चुका है इनटू द नॉन एलिजिबल फॉर्म एंड एक्रिएटेड इनकम पे एमएमआर की रेट से टैक्स भरना है दूसरा अगर कोई ट्रस्ट है वो किसी ऐसे दूसरे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के साथ मर्ज हो जाता है जिसका ऑब्जेक्टिव सेम नहीं है या फिर वो रजिस्टर्ड नहीं है अगर सेम ऑब्जेक्टिव एंड है उसके साथ मर्जर हुआ तो चलेगा लेकिन अगर किसी ऐसे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के साथ मर्जर हो जाता है जिसका ऑब्जेक्टिव अलग है या फिर वो रजिस्ट्रेशन नहीं है या फिर कोई ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन है उसका डिजोल्यूशन हो जाता है गाइज अगर कोई भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का डिजोल्यूशन होता है ना तो डिजोल्यूशन के मंथ के एंड से ट्वेल्व मंथ के अंदर अंदर वो असेट जो होती है वो किसी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को बांटना पड़ता है बट अगर किसी दूसरे ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड है उसको उसको उन्होंने बांटा नहीं तो उस पर्टिकुलर केस में एक्रिएटेड इनकम पे एमएमआर की रेट से टैक्स लग जाएगा तो देखो तीन केस पहला नॉन एलिजिबल फॉर्म में कन्वर्जन दूसरा मर्जर विद नॉन एलिजिबल ट्रस्ट तीसरा डिजोल्यूशन के केस में डिजोल्यूशन के मंथ के एंड से वन ईयर के अंदर अंदर उसको किसी दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को असेट बांटना था वो उन्होंने नहीं बांटा उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं सर एक्रिएटेड इनकम आप बोल रहे हो एक्टेड इनकम एक्ट इनकम एक्रिएटेड इनकम का मतलब होगा क्या तो इनकम का मतलब होता है कि एक काम करिए सबसे पहले वैल्यूएशन डेट को उस ट्रस्ट की जितनी भी अट है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए और माइनस उन असेट से रिलेटेड अगर कोई लाइबिलिटीज है ट्रस्ट की लाइबिलिटीज है वो आप लेस कर दीजिए जो बचेगा दैट इज द दिए इनकम तो आप एक काम करिए सबसे पहले ट्रस्ट का एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल असेट जितनी भी असेट उसकी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालिए

जो आपने एक्वायर की थी बिटवीन फ्रॉम द डेट ऑन विच ट्रस्ट वॉज क्रिएटेड मतलब ट्रस्ट जिस दिन क्रिएट किया था उस दिन से लेके और जिस दिन ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ मतलब जिस ईयर में ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन ट्वेल्व ए बी का या टेन ट्वेंटी थ्री सी का इफेक्टिव हुआ उसके पहले पहले मतलब जो भी असेट एक्वायर की हुई है वो आपको नहीं लेनी क्योंकि भाई उस इनकम पे तो आपने ऑलरेडी टैक्स भर दिया होगा ना

अगर मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन हुआ तो मॉडिफिकेशन की डेट है वो वैल्यूशन डेट है अगर ट्रस्ट ने री re रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या रिन्यूअल नहीं कराया या फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया तो जब उसका पुराना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो रहा है मीन्स लास्ट डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन मींस री रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर आपका रिन्यूअल के लिए या फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए जो लास्ट डेट थी ना एप्लीकेशन की वो लास्ट डेट है वो आपकी वैल्यूशन डेट मानी जाएगी अगर ट्रस्ट किसी और ट्रस्ट के साथ मर्जर हो जाता है गलत ट्रस्ट के साथ तो मर्जर की डेट है वैल्यूशन डेट और डिजोल्यूशन के मंथ के एंड से 12 मंथ के अंदर अंदर अगर असेट नहीं बांटी तो जो डिजोल्यूशन की डेट है वो आपकी वैल्यूशन डेट मानी जाएगी अब एक और चीज समझना अगर ट्रस्ट का इस साल इनकम नहीं है इनकम टैक्स नहीं बन रहा बट ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन वगैरह कैंसिल हो गया तो क्वेश्चन ही आता है कि क्या उनको एक्टेड इनकम पे एग्जिट टैक्स भरना पड़ेगा आंसर इज यस बाबू एग्जिट टैक्स तो भरना ही पड़ेगा ये मैंडेटरी है अब एक और चीज समझना अगर आपने किसी असेट पर एग्जिट टैक्स ऑलरेडी भर दिया है एफ पे तो आगे जाके जब उस असेट को बेचोगे तो जो एफ पे आपने टैक्स भरा है वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजेशन बन जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन

अगर आई में जाते हो तो आई में जाने का टाइम लिमिट कितना होता है? 60 डेज होता है है डेज अगर आप आई में गए नहीं तो आई में नहीं गए तो जैसे ही आई में जाने का सिक्सटी डेज टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाता है वहां से 14 डेज के अंदर अंदर आपको टैक्स भरना है लेकिन अगर आप आई में चले गए अगर आप आई में चले गए तो जब ऑर्डर आएगा कैंसलेशन के भाई कैंसलेशन सही हुआ था कैंसलेशन है वो लेजिटिमेट कैंसलेशन था तो कैंसिलेशन का जो ऑर्डर आएगा पड़ेगा दूसरा अगर आपका है, वो में आप कुछ करते हो मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन करते हो ऑब्जेक्ट में तो मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन करते हो तो उस प्रीवियस ईयर में रजिस्ट्रेशन कराना है री re रजिस्ट्रेशन बट मान लो उस प्रीवियस ईयर में देखो वहां पे टाइम लिमिट मॉडिफिकेशन केस में थर्टी डेज में एप्लीकेशन करने का है। लेकिन यहां पे बोला हुआ है कि उस प्रीवियस ईयर के एंड तक भी एप्लीकेशन कर दिया तो चलेगा बट मान लो उस प्रीवियस ईयर के एंड तक आपने एप्लीकेशन नहीं किया तो जैसे ही प्रीवियस ईयर आपका एंड हो जाएगा उसके फोर्टीन डेज के अंदर अंदर आपको टैक्स भरना है लेकिन आपने री रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन किया था मॉडिफिकेशन के केस के में ऑल्ट्रेशन के केस के में ऑब्जेक्टिव में बट सीआईटी ने क्या किया उसको रिजेक्ट कर दिया

एप्लीकेशन नहीं करते री रजिस्ट्रेशन re का या फिर रिन्यूअल का या फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन का तो गाइज जिस

और वैल्यूशन डेट का बैलेंस शीट लेके सबसे पहले असेट साइड में चले जाओ असेट साइड में जितनी भी असेट है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है जितनी भी असेट है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है लेकिन दो असेट्स को आप छोड़ दो एक तो जो भी तुम्हारा इनकम टैक्स है टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स है उसको छोड़ दो एंड दूसरा अनोरटाइज अमाउंट ऑफ डेफेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको छोड़ दो टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स छोड़ना है बट अगर मान लो कोई इनकम टैक्स रिफंड बनता है तो रिफंड आपका अससेट माना जाएगा तो पहला तो क्या बोला टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स को छोड़ दो और दूसरा जो डेफेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको छोड़ दो अब आपका क्वेश्चन ही आता है कि सब असेट हमको लेना है इन दो को छोड़ के बट असेट की एफएमवी कैसे निकाले तो सबसे पहला अगर मान लो आपके पास कोटेड शेयर है जैसे कोई ट्रस्ट है बीबी बाबा का ट्रस्ट और उनके पास में फॉर एन एग्जाम्पल कोई कोटेड शेयर है जैसे इंडियन ऑयल ऑयलोरेशन के शेयर है बीपीसीएल के शेयर है कोल इंडिया के शेयर है कोटेड शेयर है तो सर उसकी वैल्यू कैसे निकाले तो वैल्यूएशन डेट को आपको क्या करना है कि एवरेज लेना है लोएस्ट और हाइएस्ट प्राइस का हाइएस्ट और लोएस्ट कितना था रिक्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में उसका एवरेज ले लो लेकिन अगर वैल्यूएशन डेट को ट्रेडिंग नहीं हुआ तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था उसका एवरेज क्या था वो ले लो अब एक बात समझना ये तो बात हो गई कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी अब अनकोटेड का क्या होगा अनकोटेड में इक्विटी शेयर को एक बार के लिए छोड़ दो बाकी जो अनकोटेड शेयर है या अनकोटेड सिक्योरिटी है उसका क्या होगा अनकोटेड इक्विटी शेयर को छोड़ के अनकोटेड प्रिफरेंस शेयर है या अनकोटेड डिबेंचर बॉन्ड्स वगैरह है उसके केस में क्या करना है तो लॉ मेकर्स बोलते हैं उसके केस में आप एफ निकलवा दो वैल्यूएशन वैल्यूअर से रजिस्टर्ड वैल्यूअर से आप एक काम करिए मर्चेंट बैंकर या अकाउंटेंट से आप वैल्यूएशन रिपोर्ट ले लो मर्चेंट बैंकर या जो अकाउंटेंट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट उससे आप वैल्यूएशन एफ का रिपोर्ट ले लो जो अनकोटेड डिबेंचर है अनकोटेड बॉन्ड्स है अनकोटेड शेयर है उनके लिए उसके बाद में जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनके लिए आप एक काम करो एसडीवी और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर मीन जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर ले लो अब ये बिजनेस अंडरटेकिंग के केस में क्या करना है थोड़ी देर के लिए रुक जाओ उसके बाद एनी अदर असेट जैसे आपका डेटर्स है ठीक है डेटर्स है या फिर बिल्स रिसीवेबल है या और कोई बैंक बैलेंस है तो उसका क्या करो आप एफ एम निकाल दो वैल्यूशन डेट को तो देखो मैंने क्या किया ट्रस्ट जो था उस ट्रस्ट की पहले असेट साइड को पकड़ा ट्रस्ट जो है उसकी असेट साइड को पकड़ा असेट में आपको क्या क्या नहीं लेना एक तो टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स नहीं लेना डेफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लेना बाकी सब असेट की फेयर मार्केट वैल्यू निकालो कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी के केस में आप एवरेज ले लो हाइएस्ट लोएस्ट का वेल्यूशन डेट को दूसरा अनकोटेड इक्विटी शेयर के लिए थोड़ी देर के लिए रुक जाओ दूसरा अनकोटेड अदर सिक्योरिटी अदर देन इक्विटी शेयर उसके लिए FMV निकलवाओ मर्चेंट बैंकर या अकाउंटेंट से उसके बाद में इमूवेबल प्रॉपर्टी में एसडीवी एफ एम वी विच एवर इज हायर एंड गाइज एनी अदर असेट के लिए आप एफ एम वी ले लो लेकिन सर एक बात बताओ अगर यहां पर कोई अनकोटेड शेयर है तो उसका क्या करेंगे अनकोटेड शेयर एग्जाम्पल लेता हूं जैसे मान लो तिरुपति बालाजी ट्रस्ट है और तिरुपति बालाजी ट्रस्ट है वो गवर्नमेंट कंपनी के शेयर तो खरीद ही सकता है अब तो बहुत सारी गवर्नमेंट की कंपनी ऐसी है जो अनकोटेड है एग्जाम्पल के लिए जैसे आज की डेट में तो ऐसा नहीं है बट आपको पता है पहले एयर इंडिया जो है वो एयर इंडिया जो गवर्नमेंट की कंपनी थी बट अनलिस्टेड थी एयर इंडिया जो है वो गवर्नमेंट की कंपनी थी बट अनलिस्टेड थी अब एयर इंडिया के जो शेयर है वो मान लो तिरुपति बालाजी ट्रस्ट के पास है तो उसकी वैल्यू कैसे निकाले तो सिंपल सी बात है एयर इंडिया की आप इंट्रेंसिक वैल्यू निकाल दो क्या निकाल दो इंट्रेंसिक वैल्यू एयर इंडिया की बैलेंस शीट लो उस एयर इंडिया की बैलेंस शीट की इंट्रेंसिक वैल्यू निकाल दो जो भी वैल्यू आती है डिवाइड बाय टोटल शेयर एयर इंडिया के कितने हैं और मल्टीप्लाई बाय ट्रस्ट के पास कितने शेयर है तो उस इक्विटी शेयर की वैल्यू आ जाएगी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर की तो कैसे करने का देखिए सबसे पहले आप एयर इंडिया को पकड़ो एयर इंडिया की जितनी भी असेट्स है उसकी बुक वैल्यू ले लो

स्टोन आर्टिस्टिक वर्क है उनके लिए आप एक काम करो फेयर मार्केट वैल्यू ले लो इस रूल के हिसाब से तो एयर इंडिया के पास अगर कोई शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्रॉइंग पेंटिंग स्कल्पचर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट या है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालोगे इस रूल के हिसाब से इस रूल के हिसाब से उसके बाद में जो भी असेट रहेगी एयर इंडिया की वो आपको सॉरी जो भी लाइबिलिटीज रहेगी एयर इंडिया की वो आप बुक वैल्यू पे लेस कर दो बट लाइबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लेना है डिविडेंड जो सेट अपार्ट किया वो नहीं लेना है रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेना बट डेप्रिशिए रिजर्व है तो आपको लेना है प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लेना अनसर्टेन लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं लेना डिवाइड बाय टोटल पेड अप शेयर कैपिटल एयर इंडिया की कितनी है वो ले लो और मल्टीप्लाई बाय ट्रस्ट के पास कितना कैपिटल है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो एयर इंडिया के जो इक्विटी शेयर अनलिस्टेड ट्रस्ट के पास है उसकी वैल्यू आ जाएगी अब एक और चीज समझना अगर कोई ट्रस्ट है उसके पास कोई बिजनेस अंडरटेकिंग है अंडरटेकिंग अंडरटेकिंग बिजनेस का मतलब होता है कि ट्रस्ट का मान लो कोई इंसिडेंटल बिजनेस है एग्जाम्पल के लिए अपने टेंपल का लिया। टेंपल का बुक का वो है। तो उसकी वैल्यू उस बिजनेस एंटिटी की वैल्यू कैसे निकालोगे ए प्लस बी माइनस एल ए का मतलब असेट्स की बुक वैल्यू ले लो बट वो शेयर सिक्योरिटी ज्वेलरी ड्राइंग पेंटिंग आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट उसका क्या लेना है आपको लाइक फेयर मार्केट वैल्यू और लाइबिलिटीज आप बुक वैल्यू पे लेस कर है उसको कौन सी वैल्यू पे लेना है तो लाइबिलिटीज को आपको यहां पे बुक वैल्यू पे लेना है लेकिन लाइबिलिटीज में क्या क्या नहीं आएगा एक तो जो भी ट्रस्ट का कैपिटल फंड है या कॉर्पस फंडेड फंड है वो लाइबिलिटी नहीं है दूसरा रिजर्वेंट सरप्लस नहीं आएगा प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं आएगा अनअसर्टेन लाइबिलिटीज का प्रोविजन नहीं आएगा एंड कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं आएगा तो आपको एक्रिएटेड इनकम कैसे निकालना है तिरुपति बालाजी ट्रस्ट ले लीजिए ट्रस्ट की असेट साइड जितनी भी है की फेयर मार्केट वैल्यू ले लीजिए लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे लेस कर दीजिए जो भी बचेगा दैट इज कॉल्ड एक्रिएटेड इनकम और उस पर एमएमआर की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा यू गॉट माई पॉइंट ऑफ नॉट यस तो गाइज यहां पर आपका चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट का रिविजन कंप्लीट होता है मैंने मेरा हंड्रेड दिया है और मैं आपको बता दूं ये जो रिवीजन लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो होली वाले दिन कर रहा हूं जिस दिन होली है इन द मंथ ऑफ द मार्च 2024 में आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा कि लाइक जो प्रोफेसर है शायद उनके लिए तो इतना स्ट्रगल नहीं रहता होगा उनका उनका क्या है बहुत बार बच्चे बोलते हैं ना एक ही बैच पढ़ाया उसके बाद वही तो बच्चे पेन ड्राइव खरीदते हैं ऐसा नहीं है मैं आपको बताऊँ जितनी मेहनत आप करते हो ना आई प्रोमिस यू कि उतनी ही मेहनत हम भी करते हैं जिस हिसाब से आपके लिए रिविज़न लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं जिस हिसाब से आपके लिए बुक बनाते हैं हम हमारा बेस्ट ट्राई करते हैं आर देते हैं एम देते हैं आर के रिविज़न लेक्चर दिए हैं आपको तो उसमें बहुत मेहनत लगती है और जो बुक्स बनाते हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है और जो बंदा अगर बुक बनाता है देखो किसी और से कॉपी मारना इज़ वेरी इजी बट इफ़ यू आर मेकिंग योर बुक तो उसमें बहुत टाइम लगता है बहुत मेहनत लगती है कहाँ पे क्या पॉइंट आएगा कैसे उसका इंटरलिंक होगा बहुत सारी चीज़ें वैसी रहती है जिसमें लाइक यू नो दैट मेहनत लगती है टाइम देना पड़ता है तो मैं यही आपसे बोलना चाहूँगा कि आपको ये लगता हो कभी करके कि नहीं यार इनके लिए तो बहुत ईजी है ऐसा नहीं है जितनी मेहनत आपकी है उतनी मेहनत हमारी है लेकिन एक चीज़ है कि जब आप कुछ भी ऐसा करते हो मेहनत करते हो और उसके बाद आपको अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है और मैं बताऊँ मेरे लिए पॉजिटिव रिजल्ट यही रहता है कि जब आप क्लियर कर जाओगे सी वो मेरे लिए सबसे पॉजिटिव रहता है मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड मैं मेरी बात करूँ आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ भाई भाई रैंकर रहकर नहीं था मैं नॉर्मल स्टूडेंट था नॉर्मल मैं हार्ड हार्डवर्कर था देखो दो तरह के लोग होते हैं एक होते हैं जो बहुत स्मार्ट रहते हैं बहुत लाइक दिमाग से एकदम क्लास स्मार्ट करके ठीक है थोड़ा सा पढ़ के भी उनको याद हो जाता है बट मैं वैसा नहीं था मैं पहले तो अगर मैं बताऊं कि इन द टेंथ स्टैंडर्ड मेरा सेकंड डिवीजन था टेंथ स्टैंडर्ड से पहले मेरी लाइफ में कभी भी मुझे फर्स्ट डिवीजन नहीं आया मुझे सिक्सटी परसेंट से ज़्यादा नहीं आया इन द इलेवेंथ स्टैंडर्ड आई स्कोर 63% थ्री परसेंट दैट वॉज फर्स्ट टाइम फर्स्ट डिविजन इन माय लाइफ एंड इन द ट्थ स्टैंडर्ड आई स्कोर द 66% सो so उसके बाद में सी और पी और फाइनल उसके बाद मुझे पता चला कि पढ़ने की वैल्यू क्या है पहले मैं बताऊंगा टेंथ तक मेरे मार्क्स नहीं आते थे बिकॉज मुझे पढ़ने की वैल्यू ही पता नहीं मुझे लगता था यार पढ़ के क्या ही होता है ऐसे क्योंकि मैंने उसी माहौल में रहा था मैंने आजू बाजू के लोग वही देखे थे कि जो पांचवी छठी तक पढ़ते हैं सातवीं तक पढ़ते हैं आठवीं तक पढ़ते हैं उसके बाद गांव चले जाते हैं किसी सेठ की दुकान पे काम करते हैं वहाँ पे पांच-छह हज़ार रुपया मिल जाता है जिंदगी निकल जाती है हमने भी हमारे लिए वही सोचा था क्या शायद वही होगा दसवीं के बाद मेरे पापा ने तो मेरे लिए एक सूरत में एक दुकान पे देख लिया था कि वहाँ अकाउंटिंग अकाउंटिंग का छोटा मोटा मैं काम करूंगा वैसा उन्होंने सोच लिया था मैं जब बारहवीं के बाद मतलब बारहवीं के बाद जब सीए ज्वाइन करने वाला था उससे पहले उन्होंने ये सोच लिया था कि शायद वही काम करेगा और पाँच छः हज़ार सात हजार आठ हज़ार रुपया उसमें मिलेगा तो मैं बताऊँ लाइफ कितनी आगे बढ़ जाती है कैसी चेंज हो जाती है बहुत बार अपन जो चीज़ें सोचते नहीं ना वो चीज़ें हो जाती है तो लेकिन उसके पीछे एक चीज़ है मैं सच बता रहा हूँ मैं मेरे से ये ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ कि मैंने मेहनत बहुत की मेरे को बाकी सब चीज़ें नहीं आती थी ज़्यादा बट मुझे एक चीज़ आती थी कि आई वॉज अ हार्ड वर्किंग पर्सन मैं दिन में दस घंटे ग्यारह घंटे बारह घंटे पंद्रह घंटे मैं पढ़ता था जब मैंने फाइनल का एग्ज़ाम दिया मेरे को बैक पेन होता था और मैं ऐसा होता था ना मैं सो भी नहीं पाता था अगर मैं सोता था तो मेरे को दो तीन घंटे बाद बैक पेन इतना गंदा चालू होता था मेरे को वापस चलना पड़ता था मैं एक जगह बैठ के पढ़ नहीं पाता था जब मैं पढ़ता था मुझे दो तीन घंटे से ज़्यादा अगर मैं बैठता था तो इतना गंदा बैक पेन होता था भाई साहब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कुछ भी ठीक नहीं हुआ टिल द एग्ज़ाम जब तक कंप्लीट नहीं हुए तब तक और मुझे बहुत बार रोना आ जाता था जब मैं पढ़ रहा होता था ना और मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ बैकपेन हो रहा है मैं बैठ ही नहीं पा रहा हूँ मैं अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप चलते चलते कैसे मैं थियरी जब भी पढ़ता था तो मैं वो चलते चलते पढ़ लेता था मैं ऑडिट की बुक लेके मैं चलते चलते भी पढ़ता था मैं वॉक करता था पढ़ता था क्योंकि उस टाइम बैक पेन नहीं हो रहा होता है लेकिन जब मैं बैठता था, था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मेरे को अगर कॉस्टिंग एफएम ऐसे सब्जेक्ट अकाउंट्स वगैरह पढ़ना है तो मैं कैसे चलते चलते पढ़ू यार ऑब्वियसली मेरे को बैठ के पढ़ना पड़ है और मुझे रोना आ जाता था उस टाइम पे जब मैं पढ़ना चाहता था बट मैं पढ़ नहीं पाता था ड्यू टू द हेल्थ इशू मुझे चलना ही पड़ता था फिर तो मैं बताऊँ ऐसे ऐसे दिन बट मैं बताऊँ वो बहुत ज़्यादा उसके बाद मैं आई क्वालिफाई एज अ सी तो बहुत अच्छा लगा फिर बैक पेन भी ठीक हो गया सब चीज़ें ठीक हो जाती है टाइम के साथ में और फिर मैंने अच्छे से हेल्थ का भी ध्यान दिया और तो मैं बताऊँ ना वो वर्थ था अब मैं कभी कभी वो सोचता हूँ ना तो मुझे वो दिन याद आते यार वो एक छोटा सा रूम जहाँ पे मैं रहता था मेरे मामा का घर था वहाँ जाके मैं अकेला रहता था एक बंदा दूध देने आता था मैं चाय बनाने के लिए दूध ले लेता था और मैं खाना खाने के लिए दूसरे मामा के घर पे जाता था तो वैसे मैंने चार महीने लास्ट में ऐसे गुजारे ना कोई सोशल मीडिया था उस टाइम तो था भी नहीं सोशल मीडिया था भी तो वो ऑरकुट हुआ करता था बट वो ऑरकुट वो कैसे चलता था इतना अच्छा नेट भी नहीं था ना मैसेजेस थे ना व्हाट्सअप था छोटा सा मोबाइल था जिस पे टेक्स्ट मैसेज जाते थे और एक वो सांप वाला गेम चलता था जो लास्ट में जाते जाते वो टकरा के मर जाता था तो ऐसी चीजें थी बट मैं आज भी वो दिन याद करता हूँ ना तो अच्छा लगता है मतलब सच में अच्छा लगता है मतलब ऐसा लगता है कि नहीं यार अपन ने कुछ लाइफ में किया तो है कुछ भी बोलो कुछ लाइफ में किया तो है दैट वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम यू एंड मैं बताऊँ आप मेरे को अपने जैसा ही समझ सकते हैं क्य फ्रॉम वेयर आई केम एंड टुडे आई थिंक मैंने थोड़ा बहुत जितना ऑब्वियसली मैंने इतना कोई बड़ा कोई अचीव किया नहीं है लाइफ में बट जितना हो सकता था मैंने सोचा नहीं था बट उतना मेरे को मिला है भगवान ने इतना मुझे दिया है सो थैंक यू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जस्ट आई वॉन्ट यू टू बी अ हार्डवर्किंग पर्सन हार्डवर्क करिए मिलता है कुछ ना कुछ मिलता है अच्छा मिलता है डोंट वरी कोई ना कोई तो इस दुनिया में है जो आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो आप अपने आप से झूठ बोल सकते हो अपने आप से चीट कर सकते हो लेकिन उससे तो चीट नहीं कर पाओगे उसको पता है 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 आप क्या कर रहे हो घंटे आपको वो वो चलाता है। और मैं बताऊं लाइक like, उसने ना सब चीजें देख रहा है उसने आपके लिए बहुत अच्छी चीजें बना के रखी है इन सिंपल वर्ड एक मैं एग्जांपल लेता हूं लाइक like, उन चीजों की आप पता है आज आप पढ़ पा रहे हो आप सीए फाइनल में हो सीएमए फाइनल में हो ये एक इंस्ट्रूमेंट है और ये इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए आपको दिया है करके ठीक है आपको दिया है यू हैव टू रेस्पेक्ट योर स्टडी यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट इंस्ट्रूमेंट अगर आप उसको इज्जत नहीं दोगे इस पढ़ाई को इज्जत नहीं दोगे ना वो इंस्ट्रूमेंट भगवान किसी और को दे देगा और मैं बताऊं करोड़ों लोग हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता आपके पास वो है और तो उसको इज्जत दो उसको लाइक like, रेस्पेक्ट दो इन बुक्स को रेस्पेक्ट दो एंड जस्ट क्रैक दिस एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट थैंक यू थैंक्स सो मच